देवी को मंच पर लेकर आए, साथ में ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शिवानी बहन जी, जिनका हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था और अभी भी बहुत समय से बैठे हुए हैं और कार्यक्रम में आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ में डॉक्टर बनारसी भाई जी, आप माउंट आबू से पधारे हैं और आज के कार्यक्रम में साथ में ब्रह्मा कुमार डॉक्टर मोहित भाई जी, आप दिल्ली से पधारे हैं और थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित होंगे। अभी हम सभी विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर परमात्म स्मृति में बैठेंगे, प्रभु प्रेम का सुंदर सा गीत बजेगा और उस गीत की धुन पे हम अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पटना की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हुए। सन 1937 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई एक छोटे से सत्संग के रूप में और आज इस विद्यालय का विस्तार हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, आप इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं
और आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अभी हम सभी सुन रहे थे एक छोटे से सत्संग से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई और आज सारे विश्व के 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की शाखाएं 9000 से भी ऊपर है। एक विशाल वट वृक्ष की तरह यह आध्यात्मिक संगठन सारे विश्व को शांति, शक्ति और आनंद की छाया दे रहा है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम का जो टॉपिक है, इनर पीस एंड इनर पावर, जिस विषय पर हम विस्तृत रूप से सुनेंगे, यह आध्यात्मिक संगठन विश्व के अंदर एक अलग प्रकार की विशेषता लिए हुए है जो हमें धर्म, जाति, रंग भेद से ऊपर उठाता है, यहां तक कि स्त्री पुरुष के भेदभाव से भी हमें ऊपर ले जाता है और हमारी वास्तविकता का हमें बोध कराता है। रियल में हमारी जो आंतरिक शक्ति है और हमारी वास्तविक पहचान का हमें जो बोध कराता है और हमें परम शक्ति से जोड़ने के लिए और उस परम शक्ति से सर्व शक्तियां प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और उसमें से एक महान हस्ती जो आज इस पाटलिपुत्र की पावन धरती पे हम सब के सम्मुख उपस्थित हैं और जिनको सुनने के लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं, संसार में ऐसे बहुत आत्माएं इस सृष्टि पर आई हैं। कुछ आत्माएं जो बने बनाए रास्ते पे चले और कुछ ऐसे थे जिन्होंने रास्ता बनाया और उनके पीछे हजारों लाखों अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता पाया। तो आज मैं अपनी बहनों से अनुरोध करती हूं, सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। इसमें विशेष रूप से आध्यात्मिक सत्संग समिति पटना की ओर से श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी, और साथ में सविता किशोर पूरिया जी, आप हमारे मंच पर उपस्थित मेहमानों का
पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे और हमारे विशेष अतिथि जिनका आप सम्मान करेंगे। साथ में ब्रह्मा कुमारी बहने बैज और फूलों के हार से सम्मान करेंगे। और सत्संग समिति की ओर से श्री कमल नोपानी जी आप आज इस सभा में उपस्थित हैं और आप मंच पर आएंगे और हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्री लालू प्रसाद यादव जी आप स्वागत कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जी का फूल और गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। आप सभी ताली बजाने में कंजूसी ना करें, आज हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का दिन है। कितनी खुशी का मौका है जो ऐसे महान विभूतियाँ हम सबके बीच में उपस्थित हैं। शिवानी बहन जी का फूलों के हार से स्वागत कर रहे हैं, तालियों का सहयोग देते रहे। और स्वागत की इस कड़ी में फूल गुलदस्ते के साथ साथ जो हमारे भारत की संस्कृति है भारत कला और संस्कृति का देश है, तो मैं बेबी रिया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्वागत नृत्य के लिए।
बहुत सुंदर। अब आगे स्वागत की कड़ी में हमारे माउंट आबू से पधारे हुए डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, आप हमारे एवर हेल्दी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जो माउंट आबू में स्थित है, और साथ साथ आप हमारे
मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं, तो मैं डॉक्टर बनारसी भाई से आग्रह करती हूँ आप मंच पर आएं और आपने अपने सुविक्षा व्यक्त की कि मैं बिहार का निवासी हूँ, इसलिए बिहार में आने पर बिहार वासियों का मैं स्वागत करूँगा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा आदिदेव ब्रह्मा बाबा, सभा में उपस्थित कुछ क्षणों में हमारे परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू भी पधारी रहे हैं और आज हमारे स्टेज पर हमारे बहुत पुराने बिहार के लीडर कहें नेता कहें हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंट्रल में भी आप बहुत सेवाएं दी है, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, आज बिहार को जगह जगह से आपने रेल की सेवाएं शुरू की, तो आपका हम ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से दिल से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जिसके कारण आप लोग यहाँ पधारे हैं हमको अच्छी तरह पता है, आप लोग शिवानी बहन के भाषण टीवी पर रेडियो पर आप सुनते हैं देखते हैं, लेकिन आज सन्मुख मिलने का सुनने का देखने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम आदरणीय शिवानी बहन का भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बिहार के जनता की तरफ से पटना के भाई बहनों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते आप सोच सकते हैं कि कितना बिजी होंगे, लेकिन आपको हमने आग्रह किया, आपने हमारी आग्रह को स्वीकार किया, तो आपको भी हम पटना निवासी भाई बहनों की तरफ से बिहार की तरफ से सादर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारी रुक्मणी दीदी जो माउंट आबू में हेडक्वार्टर में रहती हैं, आप भी ऐसे मौके पर आप पधारे हैं, हम आपका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पटना के इंचार्ज हमारी संगीता बहन हैं, उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की सभा को देख करके दिल गदगद हो रहा है, तो हम माउंट आबू हेडक्वार्टर की तरफ से हैं, बिहार जन्म बिहार का है, लेकिन माउंट आबू में 45 वर्ष रहते हुए हो गया, तो हम माउंट आबू की तरफ से हेडक्वार्टर की तरफ से दादी जी की तरफ से हम आप सब बिहार निवासी पटना निवासी हम आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब पधारे हैं, मैं संस्था के बारे में क्या सुनाऊं और क्या न सुनाऊं, समय की अभाव है, लेकिन कुछ बातें आपके सामने जरूर रखूंगा। हमारे संस्था में बाबा ने परमपिता परमात्मा ने जो मेडिटेशन सिखाया है वो साधारण मेडिटेशन नहीं है। हम
75 में हमने मीटिंग बुलाया अपने डॉक्टरों को, तो केवल 8 डॉक्टर थे, और आज 2017 में 4,500 मेंबर हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता एक सैंपल आपके सामने है। 4,500 डॉक्टर्स क्या करते हैं? उन्होंने मेडिटेशन पर रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है एंजियोग्राफी करने से पता पड़ता है, पेशेंट कैथ लैब में जाता है, उसकी एंजियोग्राफी होती है, पता लगता है कि इनकी 4 आर्टरी ब्लॉक है, 5 आर्टरी ब्लॉक है, 100%, 99%, 85%, 80%। ऐसे पेशेंट को हम बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं 7 दिन, और उनको फिर उनके घर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि यही नियम, यही जो हम आपको सिखाए हैं वो आप फॉलो करिए। वो अपने घर में जाकर के फॉलो करते हैं, और हर जगह ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, पटना में भी कई ब्रांचेज है, तो वहां वो जाकर के रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। 6 महीना में, 1 साल के अंदर दोबारा वो सेम कैथ लैब में सेम डॉक्टर से एंजियोग्राफी कराते हैं, आर्टरी क्लीन निकलता है। केवल 100 लोगों का नहीं, 500 लोगों का नहीं, 7,215 लोगों का आर्टरी क्लीन हुआ है, और अभी भी वहां ये चल रहा है। हम चाहेंगे कि किसी को अगर कोई तकलीफ हार्ट की हो, वेलकम है हेडक्वार्टर में माउंट आबू में, हम आपका स्वागत करेंगे, और फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है। हम अपने चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे, हमारे बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं, हम आप सब बड़े बड़े दिग्गज पटना के, बिहार के मंत्री भी बैठे हैं और बड़े सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि पटना से, बिहार से सबको माउंट आबू ले जाना और हार्ट की ट्रीटमेंट कराना मुश्किल है। ये चीज हम पटना में शुरू करना चाहते हैं, अगर सरकार हमको सहयोग दे तो ये हम पटना में करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमको सरकार की सहयोग जरूर चाहिए। दूसरा, बेसन के ऊपर अभी हम नीतीश बाबू जी के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है। उन्होंने बिहार से शराब बंद कर दिया, उनको हमने, जैसे हमको पता लगा, हमारी दादी जी ने उनको बधाई का पत्र लिखा, बहुत पुण्य का काम किया, उस पर भी हम लोगों ने रिसर्च किया है। कुछ पूरे भारत से हमारे जितने भी ब्रांचेज है, कुछ फॉर्म मंगाया, फॉर्म को मंगा करके सर्वे किया, तो ये देखा कि जो व्यसन लेने वाले हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ले रहे हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में तंग होकर के व्यसन से कई बार छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो ही प्रयास करता है, जो ही छोड़ता है, विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाता है और फिर डर से पीना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के 7 डे तक, हमारे नीतीश बाबू, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर पधार चुके हैं, हम आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को फूलों से, गुलदस्तों से आपका स्वागत किया जाए।
2 मिनट, 1 मिनट। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत व्यस्त होते हुए भी हमारे आग्रह को स्वीकार किया, तो हम संस्था के तरफ से, दादी जी की तरफ से, माउंट आबू के तरफ से आपका हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब हम थोड़ा सा और टाइम लेंगे कि कैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दर्शनों पर इतना काम किए हैं। हमारी दादी जी ने बहुत बहुत आपको बधाई दिया है, शुभकामनाएं दी है, और हम आपके सामने रखेंगे कि हमने पूरे भारत से थोड़े थोड़े फॉर्म मंगाया और मंगा करके सर्वे किया, देखा कि जो 10 साल, 5 साल, 15 साल, 2 साल से व्यसन लेने वाले हमारे संस्था में वो आकर के 7 डेज का कोर्स किया। 7 दिन के कोर्स करने से 65% लोगों ने व्यसन छोड़ दिया है। आज उनको ज्ञान में चलते हुए 15 साल, 20 साल, 5 साल हो गया, उन्होंने दोबारा टच नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, हम बिहार सरकार के साथ मिल करके ऐसा अभियान निकालें, जब लोगों को इतनी फायदा है, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, कोई ये नहीं है, तो क्यों न हम बिहार में इस तरह से हम अपने मंत्री के साथ मिल करके ऐसा अभियान निकालें, डोर टू डोर ब्रह्मा कुमार भाई बहने जा करके उनको समझाएं, उनको बताएं कि आप कौन हैं और कर क्या रहे हैं, उनको दिल से नफरत दिलाएं और व्यसनों से मुक्त करें। तो हम आपका फिर से अभिनंदन करता हूं और यहीं हम अपने वाणी का विराम करता हूं। ओम शांति, ओम शांति। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं और अभी मैं बहनों से आग्रह करती हूँ, दीप प्रज्वलन की तैयारी करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी विधिवत विधिवत दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। हमारे माननीय अतिथि, आप दीप प्रज्वलन के लिए
अब हम सबके बीच में दिल्ली से पधारे हुए डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी उपस्थित हैं, जो आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने बहुत छोटी आयु में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान लिया और आप अपने प्रोफेशन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर किस प्रकार से सेवाएं करते हैं, आपके जीवन के बहुत अमूल्य अनुभव हैं। तो मैं मोहित भाई से अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य और साथ में अपने कुछ चंद अनुभव हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। बहुत प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति। देखिए, आज हम इनर पीस और इनर पावर का एक्सपीरियंस करने आए हैं, ऐसा है ना? सभी लोग चाहते हैं शांति और शक्ति हमारे मन के अंदर हमको मिले, तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर बहुत साइलेंस के अंदर, सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर अपना परिवार है ना, तो सीढ़ियाँ भी खाली, यहाँ बीच में आकर बैठ सकते हैं, एडजस्टमेंट की शक्ति को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बहुत प्यार से अगले एक घंटा आप एंजॉय करेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी दीप प्रज्वलन यहाँ पर हुआ, जब हम यहाँ से जाएं तो हमारी आत्मिक ज्योति, हमारे अंदर का भी दीप हम यहाँ पर ज्वलन करके जाएं, अपने मन का भी दीप हम लोग जगा कर जाएं, तभी तो फायदा है ना, वरना सुन लेंगे और बात नहीं बनेगी। तो सभी बहुत साइलेंस में, अब बिल्कुल कोई हलचल नहीं, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल एकदम साइलेंस। जब हम विषय की बात करते हैं इनर पीस एंड इनर पावर, तो शब्द पे अगर हम गौर करें तो बहुत सुंदर शब्द है इनर। कभी भी ये नहीं कहा जाता आउटर पीस एंड आउटर पावर, ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत सुंदर रहस्य है। एक बारी एक हथौड़ा और चाबी आपस में लड़ रहे थे, तो हथौड़ा चाबी से मुस्कुराते हुए बोला कि चाबी, मेरे अंदर तुमसे कई गुना ज्यादा शक्ति है, मैं इस ताले को बाहर से मारकर तोड़कर खोलने की कोशिश करता हूं लेकिन ये ताला खुल नहीं पाता है, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो तुम एक सेकंड के अंदर इस ताले को खोल देती हो? तो चाबी मुस्कुराते हुए बोली कि भैया, तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग बाहर से करते हो, मैं ताले के अंदर जाती हूं, सही जगह पर थोड़ा सा घुमाव लगाती है और वो ताला जो है वो खुल जाता है। तो जीवन में और संसार में और विश्व में अगर हम किसी भी प्रकार के परिवर्तन को देखना चाहते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले, सबसे पहले सक्सेस परिवर्तन हमें कहां पर लाना होगा? आप सभी लोग बताइए, कहां लाना होगा? अपने अंदर लाना होगा या बाहर लाना होगा? अपने अंदर लाना होगा। चाहे हम कितने भी लॉज बनाएं, चाहे हम कितने भी रूल्स पास करें, लेकिन जब तक यहां पर बैठी एक एक आत्मा ये नहीं समझेगी कि आज मुझे अपने लिए भी एक लॉ बनाना है, अपने मन को भी समझाना है कि मुझे परिवर्तन होना है, और अगर मैं परिवर्तन होता हूं तो मेरी अंदर सकारात्मक शक्ति से मेरा परिवार परिवर्तित होता है, जब मेरा परिवार परिवर्तित होता है तो मेरा मोहल्ला, मेरा समाज, मेरा प्रदेश, मेरा देश और मेरा विश्व सहज रूप से परिवर्तित हो जाता है। लेकिन परिवर्तन की अग्नि को ज्वलनशील मुझे अपने अंदर करना पड़ेगा। तैयार हैं ऐसी परिवर्तन की अग्नि को ज्वलनशील करने के लिए? कौन कौन तैयार है बताइए, हाथ उठा के। आज आपके पास मौका है, सच बताइएगा। अच्छा, नीचे हाथ करिए, यह बताइए कौन कौन तैयार नहीं है अभी भी? ऐसा कोई भी नहीं है, तो सभी लोग अपने अंदर से तैयार हैं, है ना? देखो, बहुत जरूरी है, आज जिस स्थिति में हमारा विश्व पहुंच चुका है उसमें कोई भी एक व्यक्ति इस विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकता।
इस विश्व के अंदर नई ज्योति जगाने के लिए, इस विश्व को नया दिशा निर्देश देने के लिए हम सबको अपने मन के अंदर छोटे छोटे परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा मन सशक्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर खुशी आती जाएगी। तो इसी के लिए आज मैं आपको केवल दो या तीन बातें बताता हूं। बहुत सुंदर एक बात मेरे मन में आ रही है कि जब संसार में पेंसिल बनाई गई तो पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को तीन बातें बहुत सुंदर बोली, और वो बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो बातें हमारे जीवन का भी उल्लेख करती हैं। पहली बात पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बोली कि तुम्हारे अंदर मैं इतनी शक्ति भरता हूं कि तुम जहां पर भी चलोगी तुम अपनी एक निशानी, अपनी एक अमिट छाप जरूर छोड़कर जाओगी। यू विल ऑलवेज लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। तो पेंसिल को लगा ये तो बड़ी अद्भुत पावर है मेरे पास। दूसरी बात पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बोली कि जिंदगी में कई बारी तुम्हें कसा जाएगा, कई बारी तुम्हें छीला जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कसा जाएगा, छीला जाएगा और तुम बाहर निकल कर आओगी तो तुम्हारी लिखावट, तुम्हारा इंप्रेशन और भी सुंदर होगा, तुम्हारा इंप्रेशन और भी ब्यूटिफुल होगा। और तीसरी और सबसे अद्भुत बात जो पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बोली वो ये बोली कि बाहर से चाहे तुम कितनी भी सुंदर हो, हाउएवर ब्यूटीफुल यू मे बी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन तुम्हारा इंप्रेशन, तुम्हारी लिखावट बाहरी रूप नहीं डिटरमिन करेगा, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे मूल्य क्या है, वही तुम्हारे अंदर रहने वाला काला सा सिंपल सा लेड तुम्हारी लिखावट को डिटरमिन करेगा। और अगर हम देखें कि हम भी भगवान की बनाई हुई एक अद्भुत पेंसिल है, आज परमात्मा हमारे को इतनी शक्ति देता है कि ना केवल अपने बोल और अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन अपने विचार की शक्ति के ही द्वारा हम अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं और समस्त विश्व के अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम कहते हैं कि आपसे मिलकर हमारा दिल भर आता है, हमारे मन को सुकून मिलता है, केवल आपको देखकर हमको शांति का अनुभव होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा मन सकारात्मक वाइब्रेशंस एमिट करता है, हमारे मन से शांति और पीस एमिट होती है, तो वो हमारे अराउंड एक ऑरा बनाकर समस्त विश्व को शांति देने का कार्य करती है। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में कई बारी ऊंच नीच परिस्थितियां आती हैं, कई बारी हमको कष्टों से जूझना पड़ता है, विभिन्न और अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमको समस्या का रूप ले लेती हैं, लेकिन जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती का कार्य करती हैं, और जब मन हमारा सशक्त, हमारा पावरफुल हो जाता है तो परिस्थितियां हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती हैं कि हम इस विश्व को एक नई दिशा दें। केवल ब्यूटी जो है वो हमारे मन की है कि इस मन के अंदर हम क्या डालते हैं, इस मन के अंदर हम किस प्रकार के थॉट्स इमर्ज करते हैं। और इसी प्रकार आखिरी चीज कि हमारे जीवन के अंदर चाहे हमारे पास कितनी भी धन, कितनी भी दौलत हो, लेकिन पैसा और भौतिक संसाधन एक मानव को अमीर बना सकते हैं, लेकिन उसके जीवन के मूल्य, उसके जीवन के जो रहस्य होते हैं वो उसके जीवन के अंदर रहीसियत लाते हैं। तो आज हम अब सब आत्माएं, हम सब लोग जो हैं अपने जीवन की एक नई और एक अनोखी यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। तैयार हैं या नहीं बताइए, या केवल ऐसा होगा कि हम सुन के चले जाएंगे और परिवर्तन नहीं कर कर जाएंगे? यदि हम तैयार हैं, यदि हम लोग तैयार हैं तो आज हम सबको एक प्रतिज्ञा और एक प्रण करके यहां से जाना पड़ेगा। मैं केवल आपको दो बातें बताऊंगा, और अगर हम वो दो बातें अपने मन को समझाकर यहां से जाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बताइए करेंगे तो बताऊं, सभी लोग सभी यस एग्री, हाँ करेंगे बिल्कुल। देखो अगर मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो आत्माएं बैठी हैं, यहां जो भाई बहन बैठे हैं, अगर हम ही लोग परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा समाज और हमारा विश्व बहुत सुंदर बन जाएगा। तो पहली बात जो हम सबको प्रैक्टिस करनी है, अपने जीवन में हमको 24 घंटे मिलते हैं, है ना, 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटे में से क्या रोज हम लोग 5 से 10 मिनट अपनी उन्नति के लिए निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? केवल 5 या 10 मिनट, है ना।
तो सबसे पहली प्रॉमिस हम सब लोग करेंगे, सब करेंगे, कि अपनी उन्नति के लिए अपने शरीर को तो हम भोजन देते हैं, लेकिन मॉर्निंग के अंदर जब हम उठें और इवनिंग के अंदर जब हम विश्राम पे जाएं, अपने मन को शुभ संकल्प परमात्म चिंतन के विचार हम लोग जरूर दें। जब मॉर्निंग के अंदर उठें तो मॉर्निंग के अंदर अगर हम इनर पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इनपुट भी हमारा बहुत सुंदर होना चाहिए। जैसा भोजन हम खाते हैं, भोजन हम हमारे शरीर को तंदुरुस्त भी बना सकता है और कमजोर भी बना सकता है। इसी प्रकार हम अपने मन को भी सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और शुभ संकल्प डेली देंगे। परमात्म चिंतन के संकल्प अर्ली मॉर्निंग में उठते ही 5 मिनट पहले और रात को सोने से पहले भी हम लोग 5 मिनट जरूर ये एक्सरसाइज करेंगे। कोई मोबाइल फोन, कोई टेलीविजन, कोई अखबार नहीं। कौन कौन तैयार है इस एक्सरसाइज के लिए? सभी लोग बताएं, तैयार हैं इस चीज के लिए? ये बहुत सुंदर और श्रेष्ठ संकल्प है। अगर ये 10 मिनट हम अपने लिए सकारात्मक एनर्जी, अपने मन को ये भोजन के रूप में देते हैं तो हमारी पूरी दिनचर्या बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल गुजरेगी। दूसरी एक्सरसाइज जो हम सबको करनी है, बहुत सुंदर बात है वो, हर आत्मा को, हर व्यक्ति को जिससे हम मिले, हर व्यक्ति को जिससे हम मिले उसको हमें खुशी देनी है और उससे हमें क्या लेनी है? खुशी लेनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कौन कौन ऐसा कर सकता है बताइए? हर आत्मा को, जैसा भी, लेकिन जब हम ऐसी खुशी देना चाहते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या भरा होना चाहिए बताइए? खुशी भरी होनी चाहिए। हमारे मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी होनी चाहिए। आज देखो कितना समय हम अपने जीवन का नेगेटिव एनर्जी के अंदर निकाल देते हैं। कितना समय हम दूसरे लोगों की बात करते हुए, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया। हम दूसरे व्यक्ति को परिवर्तन कभी नहीं कर सकते, केवल परिवर्तन हम अपने लिए ही कर सकते हैं। और अगर हम खुशी भी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो खुशी भी दूसरे व्यक्ति को देते हुए ऑटोमेटिकली खुशी हमको मिल जाती है। जब हम दूसरे व्यक्ति को शांति और प्यार देते हैं तो उस शांति और प्यार का अनुभव हमको भी अपने जीवन के अंदर होता है। तो आप सोचो कि कितनी सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी हम सब आत्माएं आपस में ये क्रिएट कर पाएंगी। हमारे अंदर परमात्मा इतनी शक्ति देता है कि हम जिस भी व्यक्ति को मिले उससे प्यार से मीठे बोल और उसको सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने पावरफुल मन के द्वारा हम लोग जरूर दें। अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जीवन लाइट होता जाएगा और हर आत्मा के जीवन के अंदर हम खुशियां बिखेरते जाएंगे। तैयार हैं इसके लिए बताइए? सभी लोग तैयार हैं? इधर बैठे बताइए सभी लोग, यस और नो बताइए? तैयार है ना? आप देखो, अगर दृढ़ता की शक्ति को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो परिवर्तन की अग्नि सहज प्रज्वलित हो सकती है। हम लॉ तो बनाएंगे लेकिन लॉ को पालन करने वाला कौन है? आप लोग बैठे हैं? नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए अपने मन के लिए भी लॉ जरूर बनाना है, अपने मन के भी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है। हमारी इनर पीस और पावर जाने का बहुत सिंपल कारण है कि हमारा इनर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में नहीं है। आज हम कहते हैं कि मैं देखना नहीं चाहता था लेकिन मैंने देख लिया, मैं सुनना नहीं चाहता था लेकिन मैंने सुन लिया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने कर लिया, मैं खाना नहीं चाहता था लेकिन मैंने खा लिया, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मैं चला गया। इसका अर्थ, मैं जो करना चाहता हूं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अर्थात मेरे अंदर इनर पावर की आज कमी है। जब मेरा इनर एडमिनिस्ट्रेशन, जब मेरा मन सशक्त हो जाएगा तो आउटर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल चलेगा, बहुत पॉजिटिव चलेगा। तो आज इनर एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम तैयार हैं? स्टेज सेट है हमारी बताइए, है ना? तो आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर जाएंगे। हमारी दीदी अभी आएंगी और हम सबका दिल से, हम सबका मन से आप सबके लिए बहुत शुभ भावना है कि जब हम अगली बार आए तो यहां आपके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां, इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन, विकास ही विकास और खुशियां ही खुशियां हर जगह खिल रही हो, हर जगह बिखर रही हो। लेकिन इस सब को करने वाले कौन होंगे?
आप सब लोग होंगे जो यहाँ पर उपस्थित हो, और उसके लिए अपने जीवन में आज परिवर्तन को एक दृढ़ संकल्प के रूप में साथ लेकर जरूर जाना। ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबसे मिलके हमें बहुत दिल से खुशी होती है, और ऐसी पावन भूमि के लिए दिल से दुआएं भी निकलती है और मन भी हमारा नमन करता है, जिसको जिसने विश्व को ऐसे ऐसे महान विद्वान दिए हों, ऐसी धरनी में भी सुख शांति और समृद्धि सदा रहे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित भाई जी। और अभी हम सभी सुनेंगे जिनका बहुत समय से इंतजार था, हम सबके बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी उपस्थित हैं। आपका जन्म पुणे में हुआ और आपकी पढ़ाई भी हुई वहाँ पे, और आप आईटी इंजीनियर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने थोड़े समय के लिए उस प्रोफेशन में कार्य भी किया, और आज आध्यात्मिकता के शिखर पे जो परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये कौन सी शक्ति है जिन्होंने इनके दिल में अपनी जगह बनाया और आज ये ऐसी महान आत्मा जो सबके दिलों पे राज कर रहे हैं, चाहे एक बार भी कोई सुन ले तो वो फिर सुनता ही रहे। तो शिवानी बहन जी हम सबके बीच में है, और आप ओम शांति। एक मिनट हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। जो पीछे का दरवाजा है, पीछे का दरवाजा जो है उसको बंद कर देंगे। पीछे जो भाई बहने खड़े हैं, हम सब आगे देखेंगे। एक छोटी सी प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, अपने मन को वहीं जाने देना चाहिए जहां उसको जाने की जरूरत है। जहां उसकी जरूरत नहीं, अगर वो सारा दिन ऊपर नीचे भागता जाएगा तो मन की ताकत क्या हो जाएगी, मन की ताकत क्या हो जाएगी। पीछे से कोई एक भाई उस दरवाजे को लॉक कर दे, प्लीज लॉक द डोर। पीछे पीछे एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ऐसी साइलेंस जिसमें जितनी सुंदर बातें हमने अभी सुनी, और मोहित भैया ने आपसे हाथ भी उठवाया और आप सब ने बहुत प्यार से हाथ भी उठाया। याद है ना कौन सी बातों के लिए हाथ उठाया, कोई सुनाए कौन सी बात के लिए हाथ उठाया था। हम आज से क्या करेंगे, हम आज से क्या करेंगे, हाथ किस चीज़ के लिए उठाया था, हम आज से क्या करेंगे। हम सबसे पहली बात जिस पे आप सबने बहुत प्यार से ताली बजाई, आज से हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम सच में ये आज इसको अडॉप्ट करें कि हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको पता है सारा दिन में कितनी शक्ति बच जाएगी। क्योंकि सारा दिन में हम एक असंभव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, असंभव। दूसरों को प्रेरणा देना, राय देना, इंस्ट्रक्शन देना,
ये संभव है, लेकिन दूसरे को परिवर्तन कर देना ये संभव नहीं है। तो आज हम अपने आप से साइलेंस में ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से जब भी परिवर्तन की बात आएगी कि चेंज, तो किसकी तरफ देखना है? सिर्फ अपनी तरफ, कि ये सिचुएशन है, ये सामने वाला व्यक्ति है, ये मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, परिस्थिति भी मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन इस सब में मुझे अपने अंदर क्या चेंज लाना है इस परिस्थिति के लिए। तो जब फोकस अपने ऊपर रहेगा, उस पर रहेगा जिसको चेंज करना संभव है, तो फिर बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। दूसरा हमने क्या प्रॉमिस किया? क्या प्रॉमिस किया था? अभी हाथ उठाकर, हम सबको सुख देंगे, सबको खुशी देंगे और दुआएं लेंगे। दूसरा, तीसरा हमने हाथ उठाया कि हम रोज सुबह 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालेंगे। और मोहित भैया ने कहा, न टीवी ऑन करेंगे, न फोन को देखेंगे, पहले 15 मिनट सिर्फ अपने लिए, ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए। एक मिनट के लिए अपने आप को देखें, अपने जीवन को, सिर्फ अपनी यात्रा को देखें। हमारा जीवन सीन आफ्टर सीन, परिस्थिति एक के बाद एक के बाद एक आती है। हर परिस्थिति में मुझे आत्मा को शांति और शक्ति अनुभव करनी है। देखें आज के सारा दिन की परिस्थितियों को, सारा दिन में एक के बाद एक के बाद एक बातें आ रही है, किसी का व्यवहार, किसी की कोई बात। आज के दिन को चेक करें, कौन सी छोटी बड़ी ऐसी बात आ गई थी जिससे हमारा मन डिस्टर्ब हुआ था। सिर्फ आज के दिन को चेक करें। कौन सी ऐसी बात आई थी जिससे मेरी शांति या शक्ति डिस्टर्ब हुई थी? किसी ने क्या ऐसा आज कहा या किया था जिससे मेरा मन डिस्टर्ब हुआ था? सिर्फ अपने जीवन को चेक करना है। अभी चेक करना है। और अगर वो सीन कल फिर से आती है, या वैसी ही कोई बात कल फिर से सामने आती है, तो अपने आप को देखें कि सीन वही होगी, परिस्थिति वही होगी, वो लोग जो व्यवहार कर रहे होंगे वो भी वही होंगे, लेकिन मेरा अटेंशन अपने ऊपर। अपने आप को देखें उस सीन में, मेरा अटेंशन अपने ऊपर, मुझे इस सीन को बेस्ट निभाना है। और देखें अपने आप को निभाते हुए उस सीन को, मुझे इस सीन में बेस्ट कर्म करना है। अटेंशन अपने ऊपर, और जैसे ही मैं अटेंशन अपने ऊपर रखती हूँ, पूरी परिस्थिति बदल जाती है।
ओम शांति। सारा दिन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी और बहुत सारे लोग ऐसा व्यवहार करेंगे जो हमें लगता है कि सही नहीं है। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा जो हमें लगता है कि सही नहीं है, लेकिन हम कितना भी लोगों से रिक्वेस्ट करें और वो लोग हमारे परिवार के हो सकते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हम कितना भी रिक्वेस्ट करें, कितना भी उनको समझाएं, कई बार हमारी बात उनको सही नहीं लगती। किस किस के साथ ऐसा होता है? और तब हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा, इनके अच्छे के लिए कही जा रही है ये बात, इनको समझ में क्यों नहीं आती ये बात। और तब हम उनको कहते हैं, हम आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। वो सुनते हैं, स्माइल करते हैं और फिर उनको जो करना है वो करते हैं, राइट? और वो हमारे सही को नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा ने इसका रहस्य सुना दिया है और जैसे ही रहस्य समझ में आता है, मन प्रश्न करना बंद कर देता है। हम सब ने ये शब्द सुना है, आत्मा, ये शब्द है। जब हम सत्संग में आते हैं, हम ये शब्द सुनते हैं, आत्मा है, आत्मा है। लेकिन जब हम घर जाते हैं, हम फिर कहते हैं मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि ये आत्मा है। ये आत्मा है, ये याद रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आत्मा है याद रहा, तो ये भी याद हो जाता है कि मैं आत्मा आज इस शरीर में हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा माहौल है, ये मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं और ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन इससे पहले मैं आत्मा एक दूसरे कॉस्ट्यूम में, दूसरे शरीर में थे, अलग प्रदेश, अलग प्रांत, अलग परिवार, अलग परिस्थितियां, अलग संस्कार, फिर उससे पहले दूसरे, फिर उससे पहले दूसरे, फिर उससे पहले दूसरे। आज हमारे शरीर की एज, आयु 40, 50, 60 वर्ष है। आत्मा की आयु कितनी है? आत्मा की आयु कितनी है? आत्मा की तो कोई आयु ही नहीं। आत्मा के लिए हम क्या सुनते हैं? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। मतलब जब हम कहते हैं कि कोई मर गया, कहते हैं ना वो मर गए, तो कौन मर गया? सिर्फ शरीर। आत्मा अमर, एंड आत्मा अमर मतलब शरीर विनाशी। आत्मा ने वो शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लिया। हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारा ध्यान उस दरवाजे की तरफ ना जाए। ये एक प्रैक्टिस है। जिनको वहां ध्यान रखना होगा वो उस तरफ देखेंगे, जिनको नहीं रखना होगा वो अपना काम, ताकत बच जाएगी, ताकत बचेगी। तो मैं आत्मा आज इस शरीर में, इससे पहले 100 साल दूसरे शरीर में, उससे 100 साल तीसरे शरीर में, उससे पहले चौथे शरीर में, सिर्फ अपने आप को चेक करें। यहाँ मैं आत्मा उसको एक सीडी की तरह देखते हैं। हम सबके घर में सीडी होती है और सीडी पे गाने होते हैं, राइट? ये आत्मा एक सीडी है और इस पे बहुत सारे गाने हैं। वो गाने कौन से हैं? हमारे संस्कार। तो सिर्फ अपने आप को चेक करें सीडी को, कि 50 साल इस कॉस्ट्यूम में, इससे पहले 100 साल दूसरे कॉस्ट्यूम में, उससे पहले 100 साल तीसरे कॉस्ट्यूम में, गाने 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 गाने, कितने सारे गाने रिकॉर्ड होंगे एक सीडी के ऊपर। दिख गया सबको? दिख रहा है कितने सारे संस्कार रिकॉर्डेड है? क्या कोई भी दो सीडी के ऊपर, मतलब दो आत्माओं के ऊपर सेम गाने हो सकते हैं? यस, सेम गाने हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी का पीछा कुछ और था, दूसरे का पिछला कुछ और था, उसके पहले कुछ और था, कुछ और था। एक दिन दो सीडी की शादी हो जाती है। अपने साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए सीडी को देखें, अगर वो साथ में आया आपके,
और एक्सेप्ट करें इस बात को कि इस सीडी पे जो गाने हैं और मेरे ऊपर जो गाने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये जब दो सीडी की शादी हो जाती है, वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आपके गाने ऐसे वाले क्यों हैं, आप ऐसे क्यों, वो दूसरे को देखते कहते हैं आप ऐसे क्यों, और फिर एक यात्रा शुरू हो जाती है दूसरे के ऊपर अपनी चॉइस के गाने रिकॉर्ड करने की कोशिश करने की, आप ऐसे हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ और आप ऐसे हो जाओ, और जितना हम कोशिश करते हैं उतनी कोशिश वो भी करते हैं कि आप क्यों नहीं ऐसे हो जाते, और हम एक दूसरे से को बहुत प्यार से कह देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा बदल जाओ हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हम कभी ये नहीं कहते मैं थोड़ा सा बदल जाऊं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अब ये दोनों सीडी ये छोटी छोटी मेहनत कर ही रही थी कि इनके घर में तीसरी सीडी आती है। आई ना आप सबके घर में तीसरी सीडी। वो दोनों सोच रहे थे कि वो जो सीडी आएगी वो ब्लैंक सीडी आएगी, और हम पूरी तैयारी कर रहे होते हैं कि वो सीडी आएगी, हम उस पर ये गाना लिखेंगे, ये गाना लिखेंगे, ये गाना लिखेंगे, ये गाना लिखेंगे। किस किस के घर ब्लैंक सीडी आई, हाथ उठाना, और किस किस के घर सीडी भरी हुई है, हाथ उठाना। ये ज्ञान, आत्मा हूं शब्द तो बहुत बार सुना, लेकिन आत्मा हो मतलब आत्मा लंबी यात्रा पर है, उसके ऊपर रिकॉर्डेड अनेक संस्कार हैं, और आत्मा जब एक शरीर छोड़ दूसरे में आती है तो वो अपने संस्कार और अपने कर्मों के हिसाब किताब लेकर आती है, अपना भाग्य वो अपने साथ लेकर आती है। और इसीलिए जिस दिन वो सीडी आपके घर जन्म लेती है, पंडित जी आपको जन्म पत्री उसी दिन दे देते हैं ना जन्म पत्री। तो वो जन्म पत्री क्या है, वो आत्मा की उससे पहले की यात्रा का सारा, क्या कहेंगे, जैसे बिजनेस में बैलेंस शीट होती है, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट होती है उस डेट पर एक साल पूरा होता है, 1 अप्रैल को वही बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो मैं आत्मा इस शरीर के अंदर लास्ट क्षण तक जो संस्कार बनाए, जो कर्म किए, वो मेरी 31 मार्च की बैलेंस शीट। मुझे आत्मा ने वो शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, नया साल शुरू होने वाला है 1 अप्रैल, वो बैलेंस शीट है, वो जन्म पत्री जो हमारे हाथ में मिल जाती है। कई बार क्या होता है, वो जन्म पत्री जो हमारे हाथ में मिल जाती है हम उसी को लेकर पूरा जीवन चलाते हैं। मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, और फिर हम हर थोड़े दिन के बाद पंडित जी को जाके पूछते हैं, पंडित जी आने वाला दिन कैसा है, अगला साल कैसा है, अगले 5 साल कैसे हैं। परमात्मा कहते हैं अपना भाग्य अपनी चॉइस का बनाना है। मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी जन्म पत्री पहले दिन बनाई थी, इस जीवन के 40-50 सालों में इतने सारे कर्म कर दिए, ये अभी तक कैसे राइट हो रही है जन्म पत्री। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई जिससे हमें अपनी पावर पता चलती है। उन्होंने कहा अगर आप इस जीवन में आने के बाद अपने संस्कारों को बदलते नहीं हैं, और उन्होंने बहुत प्यार से कहा मेजॉरिटी लोग अपने संस्कारों को बदलते ही नहीं हैं, वो जो संस्कार लेकर आए थे उन्हीं के साथ चलते हैं, अगर उन्हीं संस्कारों के साथ चलेंगे तो जन्म पत्री बिल्कुल सही चलेगी और जो उस कुंडली में लिखा है वो बिल्कुल सही होता जाएगा अगर उन्हीं संस्कारों के साथ चलेंगे, क्योंकि जन्म पत्री मतलब ग्रहों का हमारे संस्कारों पर प्रभाव। फिर उन्होंने बहुत पावरफुल लाइन कही, अगर कोई अपने संस्कारों को बदल लेता है तो उन्होंने कहा उसके लिए उसकी कुंडली राइट नहीं चलेगी। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है, किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। जैसे ही हम अपनी पावर किसी और को दे देते हैं तो हम अपनी पावर को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। रोज सुबह उठ के हम अपने आप को पूछ सकते हैं मुझे आज का दिन कैसा चाहिए, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं अखबार को खोलते हैं और देखते हैं उसमें आज का दिन हमारा कैसा होने वाला है, पढ़ते हैं ना,
जेमिनी, ये टॉरस, ये एरीस, ये उसमें लिखा है आज आपको कोई धोखा देगा, उसमें लिखा है आज आपके साथ कोई गलत करेगा, उसमें ये नहीं लिखा होता आज आप क्या करेंगे सबके साथ। वो हमारे हाथ में है। अगर हर रोज जैसे मोहित भैया ने बताया हम 15 मिनट निकालते हैं ये डिसाइड करने के लिए मेरे आज के दिन का भाग्य क्या होगा और मेरा भाग्य मेरे कर्मों अनुसार बन रहा है। और जब हम सबको देखते हैं जो हमारे साथ हैं और हमें ये याद रहेगा कि ये आत्मा के ये संस्कार हैं, ये संस्कार मेरे संस्कारों से अलग हैं। किसी के अंदर विश्वास करने का संस्कार है, किसी के अंदर शक करने का संस्कार है, किसी के अंदर सच बोलने का है, किसी के अंदर झूठ बोलने का है, किसी के अंदर टाइम पर आने का है, किसी के अंदर लेट आने का है, किसी के अंदर सफाई का है, किसी के अंदर उतना नहीं है, अलग अलग संस्कार। तो अब हमें एक दूसरे की सीडी के गानों को क्या करना होगा। आज आपने हाथ उठा लिया कि हम गानों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम किसी और की सीडी के गाने को बदल ही नहीं सकते, वो गाना सीडी के ऊपर रिकॉर्डेड है। अगर आपका पड़ोसी कोई गाना बजा रहा है रोज सुबह सुबह, आपके पास कितनी चॉइस है? एक है, आप रोज उसकी घंटी बजा के बोलो गाना बंद कर दो। आप जितनी बार उसको बोलोगे गाना बंद कर दो वो वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ा देगा। यही हम लोगों के साथ करते हैं, बदल जाओ, उनका संस्कार और पक्का हो जाता है। दूसरी ऑप्शन, आप उनसे भी तेज अपने गाने बजाने शुरू कर देते हैं, मतलब सामने वाला इतना गुस्सा करता है तो हम उससे और ज्यादा गुस्सा करते हैं, उससे क्या होता है हमारी सीडी का गाना क्या होता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। तीसरी और सबसे ईजी ऑप्शन जिससे हमारी बहुत सारी शक्ति बच जाएगी, उनके म्यूजिक को एंजॉय करना शुरू कर दो। क्या करना, तीनों में से कौन सा करना, तीनों में से कौन सा करना, तीनों में से सिंपल जिन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे मन को डिस्टर्ब करते नहीं। दो शब्द हैं, एक है एक्सेप्ट, एक है एक्सपेक्ट, एक है अपेक्षा रखना, दूसरा है स्वीकार करना। एक भाई ने हमें कहा मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूँ मेरी वाइफ उसी टाइम अपने बहन से फोन पे बात करना शुरू कर देती है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं कहा आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो गुस्सा क्या करना फिर उसमें। कहते उसको यही टाइम क्यों मिलता है अपनी बहन से बात करने के लिए फोन पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगती वो बात। वो ये सब कह ही रहे थे तो नीचे बिल्डिंग के नीचे से सब्जी वाला जोर जोर से सब्जी बेचता हुआ जा रहा था। मैं कहा ये नहीं आपको डिस्टर्ब करता। कहता क्या डिस्टर्ब नहीं करता। मैं कहा ये जो आवाज बज रही है। कहते कौन सी आवाज। मैं कहा वो सब्जी वाला इतनी जोर जोर से बोल रहा है। कहता अच्छा वो तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। मैं बोला सब्जी वाला इतनी जोर से बोल रहा है, आपकी वाइफ तो फिर भी बहुत सॉफ्टली बात करती है। तो मुझे बहुत प्यार से देखकर बोलता है बहन जी सब्जी वाला तो सब्जी बेचेगा ही ना रोज। एक्सेप्ट कर ली सब्जी वाले की आवाज, मन डिस्टर्ब नहीं होता। वाइफ की बात करने को एक्सेप्ट नहीं किया तो मन डिस्टर्ब होता है। सारा खेल एक ही शब्द का है, एक ही शब्द का है, एक्सेप्ट कर लो। वो बात मन पर आएगी नहीं, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कुछ था। जो लोग एयरपोर्ट के नजदीक रहते हैं, रेलवे स्टेशन के नजदीक रहते हैं, आसपास इतनी आवाजें आती हैं, वो मस्त नींद सोते हैं क्योंकि उन्होंने उस आवाज को क्या कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट, यहां घर लिया है, ये आवाज तो आएगी। तो इस सीडी के साथ शादी की है तो गाने तो बजेंगे। एक्सेप्ट, एंजॉय द म्यूजिक। राय दें, लेकिन दूसरे के गाने को सुन सुनकर अगर हम इरिटेट होते जाएंगे, डिस्टर्ब होते जाएंगे, नाराज होते जाएंगे, तो उतनी देर में हमारी सीडी पर एक नया गाना रिकॉर्ड हो जाएगा गुस्सा होने का। आज अगर हमने हाथ उठाया और हम यहां इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को
बढ़ाएंगे उसका सिंपल तरीका है, दूसरे के संस्कारों को देखकर उनको एक्सेप्ट करें, उनके संस्कारों के प्रति प्रश्न ना उठाएं सारा दिन, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। परमात्मा ने कहा दो शब्दों का खेल है, या तो आप प्रश्नचित्त रह सकते हैं, मतलब आपका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ है, और परमात्मा ने कहा जो प्रश्नचित्त रहेगा वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, उसका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ रहेगा। आत्मा है, अपने बच्चों को देखें, बच्चों को देखें इस नजरिए से नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं और जैसा मैं चाहूं ये वैसे होंगे, लेकिन इस नजरिए से कि ये आत्मा अपने संस्कार और कर्म और भाग्य लेकर आई है। आज के माहौल में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे वातावरण है, कैसी कैसी बातों को क्रॉस करके वो आत्मा शरीर छोड़कर हमारे घर आई है, आई है ना। कुछ साल पहले नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा उस अर्थक्वेक में, वो एक ट्रॉमा था जो वहां के लोगों के ऊपर उसने बहुत प्रभाव डाला उस दृश्य ने। उस अर्थक्वेक के कई महीने बाद भी जिन लोगों ने वो अर्थक्वेक देखा था, फील किया था, उनकी काउंसलिंग चल रही थी क्योंकि उनकी मानसिक हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब अपसेट थी, क्योंकि उन्होंने दर्द देखा था, नुकसान देखा था, परिवार वालों को जाते हुए देखा था, उनका मन डिस्टर्ब्ड रहता था। लेकिन ये वो लोग हैं जो उन्होंने वो अर्थक्वेक को क्रॉस कर लिया, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत थी। लेकिन सोचें जिन्होंने उस अर्थक्वेक में शरीर छोड़ा होगा, वो किसी के घर एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बनकर आए होंगे और वो माता पिता सोचते होंगे ब्लैंक सीडी आई है, वो बच्चा अपने साथ क्या लेकर आया होगा, डर, डर, दर्द। उसको डर लगेगा जब उसके माता पिता कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि उसको डर लगेगा इनको कुछ हो ना जाए। कुछ दिन पहले मुझे एक प्रोग्राम में एक 10 साल का बच्चा मिला और उसके पापा प्रोग्राम के बाद उसको बाहर लेकर आए, कहते सिस्टर प्लीज इससे बात करो, ये बहुत रो रहा है। बोला क्या हुआ, कहते मैं बहुत बुरा हूं। बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो अपने आप को, कहते मुझे बार बार ये थॉट आती है कि मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे, और वो रोने लगा। कहते मैं कितना बुरा हूं ना, मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा सोचता हूं कि ये मर ना जाए। मैंने बोला आप औरों के लिए भी ऐसा सोचते हो, कहते हाँ मुझे बहुत सोच आती है ऐसे कि ये मर ना जाए लोग, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ऐसे आता है कि ये मर ना जाए। क्यों आता होगा उस बच्चे को ऐसा थॉट, क्यों आता होगा उस बच्चे को ऐसा थॉट, क्योंकि उसका लास्ट कॉस्ट्यूम में लास्ट सीन ऐसा कुछ रहा होगा, उसने देखा होगा अपने परिवार वालों को जाते हुए, उसके ऊपर लास्ट गाना रिकॉर्ड क्या हो गया कि मेरा परिवार कहीं चला ना जाए। लेकिन अगर हमें आत्मा का ज्ञान ये याद है तो हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाएंगे, लोग उस बच्चे को डांटेंगे, कैसा बच्चा है ऐसा बोलता है अपने मम्मी पापा के लिए है। ऐसे ही हमारे बच्चों के अंदर और हमारे आसपास सभी जो लोग हैं अलग अलग संस्कार लेकर आए, पूर्व जन्मों के संस्कार, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना, हमें उनकी निंदा नहीं करनी, हमें उनके संस्कारों के लिए उनको डांटना नहीं है तुम ऐसे क्यों हो, लेकिन हमें उनके संस्कारों को स्वीकार करके उनको एक नया गाना लिखने की क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम उनको एक नया गाना लिखने का सहयोग दे सकते हैं। लेकिन हम नया गाना तब रिकॉर्ड कर सकेंगे जब हम उनके अभी के संस्कार को स्वीकार करें। कितनी बार हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, और कितनी बार हम उनको कह देते हैं उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम कैसे कर रहे हो। तो हम दो सीडी को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कितना डिसरिस्पेक्ट है किसी आत्मा के लिए। वो दोनों सीडी आज आपके बच्चे हैं, लेकिन 10 साल पहले वो दोनों सीडी का जीवन बिल्कुल अलग था। हमें नहीं पता कौन क्या देख कर आया है, किसी ने बाढ़ आने पर शरीर छोड़ा, वो आत्मा आज पानी के नजदीक जा नहीं सकेगी, उसको पानी से डर लगेगा। लेकिन हम कहेंगे कैसा बच्चा है, सब लोग स्विमिंग कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते, डांट देंगे उस बात के लिए उसको। आत्मा
सारा दिन कल ये एक्सपेरिमेंट होमवर्क करके देखना, हर एक जिससे मिलेंगे ये आत्मा है, ये पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आई है, कंपैशन, रिस्पेक्ट, और जिसका जो संस्कार होगा वो उसी नजरिए से हर परिस्थिति को देखेगा। राइट है बात? राइट है? अगर मेरे ऊपर शक करने का गाना रिकॉर्डेड है, संस्कार है, मैं हर बात में शक करूंगी। दूसरे के ऊपर विश्वास का गाना रिकॉर्डेड है, वो विश्वास करेगा, और हम एक दूसरे को देखेंगे और हम कहेंगे आप इतना सबके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो, कहेगा आप शक कैसे कर सकते हो, कहेगा मुझे तो आप समझ ही नहीं आते, कहेगा मुझे भी आप समझ ही नहीं आते। मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि हमें दूसरे का संस्कार नहीं समझ में आता, और समझ में भी आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास वो संस्कार रिकॉर्डेड नहीं है। अगर कोई लेट आता है और एक जना एकदम टाइम पर आता है, तो जो टाइम पर आता है वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता आप लेट कैसे आ सकते हो, कहेगा मुझे समझ में नहीं आता आप पहले क्यों आके बैठ जाते हो। हम समझ ही नहीं सकते एक दूसरे को, क्यों नहीं समझ पाएंगे? संस्कार अलग अलग है। तो हर बार दूसरे को समझा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे को स्वीकार किया जा सकता है, एक्सेप्ट, ये इनका संस्कार है। एक्सेप्ट करने के बाद हम उनको ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद। अगर आपके घर में, किस किस के घर में कोई एक फैमिली मेंबर है जिसको गुस्सा आता है, हाथ उठाना, हर फैमिली मेंबर में कोई एक तो होगा, है ना? अब देखें क्या करते हैं हम सारा दिन, ध्यान से देखना है और फिर उसको आज कैसे चेंज करना है। अगर मेरे फैमिली मेंबर में किसी एक को गुस्सा आता है, चाहे वो बच्चा है, तो घर के सारे लोग क्या सोचते और कहते हैं? ये बहुत गुस्सा करता है। दूसरा कहते हैं सच्ची में ये तो बहुत ही गुस्सा करता है। तीसरा कहते हैं पता नहीं इसका बड़े होके क्या होगा, ये तो बहुत ही गुस्सा करता है। पड़ोसी आते हैं उसको कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत ही गुस्सा करता है। सब लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, आप बहुत गुस्से वाले हो, 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 तो उस बच्चे का गुस्सा क्या हो जाएगा बताओ? अगर वो गुस्सा पहले 50% था, इतने सबका आशीर्वाद मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी तो आशीर्वाद है ना। हम सब उसको ये थॉट देते हैं। आजकल मम्मी पापा एक नई चीज कहते हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। रिश्तेदार आते कहते हैं हमारा बच्चा खाना ही नहीं खाता, वो कहते मेरा बच्चा भी खाना ही नहीं खाता। सब लोग मिलकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, खाना ही नहीं खाते, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। इतना आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद तो सिद्ध हो ही जाएगा ना। मम्मी किचन में जाती है, खाना बनाती है, इतने प्यार से बना रही होती है, बनाते बनाते उसके अंदर ये थॉट डाल देती है खाता तो है नहीं। फिर टेबल पे लाती है, प्लेट रखती है, सब रेडी रखती है, लेकिन अंदर से उसको वाइब्रेशन थॉट भेजती है खाता तो है नहीं, लेकिन मैंने इतने प्यार से बनाया, कैसे खाएंगे उसके बाद वो, कैसे खाएंगे? अब हमने क्या करना है? 50% उस आत्मा के अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, रियल है। अब हमें उसको आशीर्वाद देनी है। तो परमात्मा सिखाते हैं कि उस आत्मा के लिए एक ही चीज सोचो और बोलो, ये बहुत पीसफुल आत्मा है, ये बहुत पीसफुल आत्मा है, ये बहुत प्योर आत्मा है, ये बहुत पावरफुल आत्मा है। वो ही सोचो और वो ही बोलो आशीर्वाद। अब आप खुद बताएं, अगर 50% मेरे अंदर गुस्सा है और सब लोग मुझे ये आशीर्वाद दें, ये पीसफुल आत्मा है, ये पीसफुल आत्मा है, ये प्योर आत्मा है, तो मेरा 50% किधर पहुंचेगा बताएं? हाथ करके बताएं, 50% किधर पहुंचेगा? जीरो हो जाएगा। चलो 50-40 तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा? और जैसे ही मेरा 50-40 होगा, आप और आशीर्वाद देंगे और आप और। हमारे पास ये पावर है कि हम अपने और औरों के ऐसे वाले संस्कारों को या तो बढ़ा सकते हैं या संस्कारों को घटा सकते हैं। हम उनके लिए कैसा सोचते हैं और बोलते हैं उस पर डिपेंडेंट है। आज सुबह सेंटर पे जो हमने परमात्मा के महावाक्य सुने, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन थी, अपने संकल्पों से अपने भाग्य की एनर्जी वेस्ट नहीं करो। व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करता है।
और परमात्मा ने कहा, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, यही बात तुम दो वर्ड में बोलो ना, इतना क्यों बोलते हो वो बात एक्सप्लेन करने के लिए। तो परमात्मा ने कहा, यही चीज अपने आप को बोलो कि जो सोचना है उसको भी दो लाइन में सोचो, उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो, क्योंकि जितना ज्यादा सोचेंगे हमारी शक्ति क्या होती जाएगी, हमारी शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, भाग्य की एनर्जी वेस्ट होती जाएगी। तो परमात्मा ने आज मंत्र दिया है, वरदान दिया है, ब्लेसिंग दी है। आप ब्लेसिंग को लेंगे, वो लेंगे ब्लेसिंग को। हाँ, परमात्मा ने कहा, आपकी हर सोच और हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद हो। आपकी हर सोच और हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद हो। कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं ऐसा? Which means, जो संस्कार हमें दिख रहा है, ये ऐसा संस्कार है, उसके बारे में ना सोचना है ना बोलना है, लेकिन जो संस्कार हम चाहते हैं कि बन जाए उसके बारे में सोचना और बोलना है। ये विज्ञान है, साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया है कि जो आप चाहते हैं कि हो वो आप सोचो, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। सपोज, फिर से 50%, अगर मेरे शरीर को कोई बीमारी है 50%, ठीक है, सपोज आपका सर दर्द हो रहा है सिर्फ 50%, अब सोचना शुरू कर दो, मेरा सर दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, कैसे काम होगा, सर दर्द हो रहा है, इतना आशीर्वाद देंगे तो सर दर्द क्या हो जाएगा, आशीर्वाद देंगे ना सारे। फिर हम औरों को भी बोलते हैं, पता है क्या, आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, दूसरा बोलता है, ओ ये आपका इतना सर दर्द हो रहा है, सबका आशीर्वाद मिल जाता है। जब इतना आशीर्वाद मिलेगा तो सर दर्द 50% से किधर जाएगा, 60 चला जाएगा। चलो ऑपोजिट, हमें सर दर्द खत्म करना है, थॉट क्रिएट करें, सर दर्द हो रहा है, रियलिटी है, उसको आशीर्वाद दें, क्या देंगे, मेरी तबीयत ठीक हो रही है नहीं, जो हम चाहते हैं कि हो वो हमें सोचना है, मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, ठीक नहीं, ठीक बहुत साधारण वर्ड है, मेरी तबीयत, मेरी सेहत बिल्कुल बढ़िया, सुपर परफेक्ट है। सिर्फ सोचते जाएं और बोलते जाएं, आपका सर दर्द 50 से 40 होना ही होना है, ये विज्ञान है, जो अध्यात्म ने सिखाया आज विज्ञान उसको प्रूफ करके दिखाता है कि ये है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप कहते जाएंगे मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, वो हाई ही रहेगा, अगर और हाई ना हो जाए तो हाई ही रहेगा। लेकिन जैसे डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट की ब्लॉकेज खत्म हो गई, मेडिटेशन, थॉट क्रिएट करके मेरा ब्लॉकेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, परमात्मा से शक्ति ली, उस आर्टरी को भेजी और एक ही थॉट क्रिएट की, मेरी ब्लॉकेज बिल्कुल 100% क्लीन और क्लियर है, साइंटिफिक ब्लॉकेज क्लियर हो गए। ये हम सब कर सकते हैं घर पे, अपने लिए, सबके लिए। सुबह उठकर जो मोहित भैया ने हमें बताया कि हम 5 मिनट का समय निकालेंगे, हम उसमें अपने लिए एक ब्लेसिंग बनाएंगे, अपने संस्कारों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने विश्व के लिए। कई बार हम बार बार ये कहते जाते हैं, दुनिया देखो कैसी हो गई है, दुनिया देखो कैसी हो गई है, देश देखो कैसा हो गया, ये ब्लेसिंग है। क्या ब्लेसिंग हमें देनी चाहिए, भारत कैसा है, भारत कैसा है, बोलो बोलो, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा। परमात्मा ने कहा है, भारत स्वर्णिम भारत बनने वाला है, सत्युग आने वाला है, जिसमें शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, वो देश भारत देश होने वाला है, क्योंकि वो ही भारत देश था और वो ही भारत देश फिर से बनने वाला है। बिहार कैसा है, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा, जो सोचेंगे वैसा बनता जाएगा,
कैसा चाहिए प्रांत, कैसा प्रांत चाहिए? जैसा प्रांत चाहिए वैसी थॉट क्रिएट करो, हर थॉट और शब्द में वो ही ब्लेसिंग देते जाओ, और कुछ महीनों में अपने प्रदेश को और देश को बदलते हुए देख लो। ये साइंस है। हम क्या करते हैं, हर रोज सुबह उठ के दुनिया की खबर सुनते हैं अखबारों में और टीवी पर, राइट? और अखबारों में और टीवी पर हमें वही दिखेगा, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ किसी का झगड़ा हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ सेंसेक्स क्रैश हो गया, ये हो गया। हम वो खबरों को सुबह सुबह ग्रहण कर लेते हैं, उससे हमारी सोच भी वैसी वाली बन जाती है, और जैसी हमारी सोच बनेगी वो सोच को हम वातावरण में रेडिएट करेंगे और वैसे ही हमारी दुनिया बन जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, अखबारों को पढ़कर अपनी जीवन वैसी ना बनाए, अपनी जीवन ऐसी बनाएं कि कल की अखबार बदल जाए। हम बदल सकते हैं, हमारे पास पावर है। थोड़े दिन पहले मुझे एक मम्मी मिली, कहती मेरी बेटी हमेशा खुश रहती है। बोला तो अच्छी बात है। कहती कैसे चलेगा आगे जीवन में, कोई गुस्सा नहीं करती किसी को, कोई उसको बोलता है वो चुप हो जाती है। मम्मी पापा को आजकल टेंशन हो जाती है अगर उनके बच्चे बहुत स्वीट और इनोसेंट, और तो वो अपने बच्चों की इनोसेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको सिखाते हैं कि स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा ना, तुम भी ऊपर से उसको डांटते ना, चुपचाप ऐसे मार खा के घर नहीं आना। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? ऐसा सिखाते हैं ना। और फिर हम कहते हैं हम अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं इस दुनिया को फेस करने के लिए। अपने बच्चे को इस दुनिया को फेस करने के लिए तैयारी नहीं करनी, अपने बच्चे को एक सुंदर दुनिया बनाने की तैयारी करानी है। वो हमारे पास पावर है। हम अपने बच्चे को पीसफुल होना सिखाएंगे, कल ये दुनिया पीसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ अग्रेशन फेस करना सिखाएंगे तो कल तो ये कलयुग का घोर कलयुग और कलयुग कहाँ चला जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा? हमारी सोच, क्यों हम शास्त्रों में पढ़ते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो संकल्प से कौन सी सृष्टि बनती है? संकल्प से सबसे पहले हमारी ये सृष्टि बनती है, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा काम का स्थान, हमारा देश, हमारी दुनिया हमारे संकल्प से बनती है। तो अभी करें कैसे वाले संकल्प क्रिएट करने हैं? करें, रेडी? थोड़े से संकल्प लिखेंगे आज, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको रोज सुबह और रात को सोने से पहले हम करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो हमारे पास है, ध्यान से सुनना, जब भी आप भोजन खाते हैं या जब भी आप पानी पीते हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं जैसा अन्न वैसा मन, राइट है बात? राइट। दूसरी बात सुना, जैसा पानी वैसी वाणी, ये भी सुना, राइट? जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जेनरेशन को देखते हैं तो हम कहते हैं वो कहीं बाहर का खाते नहीं थे, वो कहीं जाते थे तो अपना पानी और अपना ग्लास भी अपने साथ लेकर जाते थे। ये प्योर साइंस थी। वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो कहीं भी किसी की भी मन की स्थिति को अब्सॉर्ब ना कर लें उनके घर का खाना और पानी पी के। ये उस समय की समझ और मान्यता थी। अब दो जेनरेशन पहले, मतलब हमारे ग्रैंड पे, ना हम बाहर का खाएंगे, वो अन्न में वाइब्रेशन क्या होगी? कमाने की वाइब्रेशन है। क्योंकि जो खाना बना रहा है वो किस लिए बना रहा है? कि आप खाओ मैं कमाऊं। जितना हम धन के लिए कमाए हुए जो अन्न है उसकी वाइब्रेशन का खाना खाएंगे, हमारी बुद्धि में सिर्फ धन धन और धन ही रहेगा, रिश्ते नीचे धन ऊपर हो जाएगा। और इसीलिए उस तरह का अन्न खाने की वजह से आज परिवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट धन हो गया। भाई 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 बहन लड़ रहे हैं कि ये लैंड मेरी, ये मकान मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि धन 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 हमारी प्रायोरिटी हो गई। मंदिर में जो हम प्रसाद खाते हैं उसकी वाइब्रेशन क्या है? उसकी वाइब्रेशन क्या है? परमात्मा की याद की। जिसकी याद में खाना बना हुआ होगा, जिसकी याद में खाना बना हुआ होगा वो वाइब्रेशन उस अन्न में जाएगी, और जो उस अन्न को खाएगा वो वाइब्रेशन उसके मन पर असर कर देगी। मंदिर का प्रसाद,
मंदिर का अमृत और घर का खाना, दोनों में फर्क क्या है? मंदिर में हम जाते हैं, हम इतना सा अमृत लेते हैं, उस अमृत में और हमारे ग्लास ऑफ पानी में फर्क क्या है? उस अमृत में किसी ने क्या किया है, क्या किया हुआ है? परमात्मा को याद करके अच्छी एनर्जी डाली है। राजयोग मेडिटेशन जब हम सेंटर पर आकर सीखते हैं तो हमें ये विधि आ जाती है कि हम अपने हर भोजन को प्रसाद बना लें और पानी चाय जो भी पिए उसमें परमात्मा की याद की वाइब्रेशन डाल के उसको अमृत बना के फिर पिए हैं, क्योंकि पानी और खाने की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। एक सेकेंड विजुअलाइज करें, आपका वाटर टैंक कहाँ है? घर के टेरेस के ऊपर, राइट? देखें उस टेरेस को और देखें उस वाटर के टैंक को। वो पानी टेरेस पे कौन कौन सी वाइब्रेशन खींच रहा होगा सारा दिन? कौन सी वाइब्रेशन उस पानी में जा रही होगी जो टेरेस के ऊपर होगा? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में क्या है? किसी का दर्द है, किसी का गुस्सा है, किसी का दुख है, किसी का नफरत है, वो सब वो पानी का टैंक ऊपर अब्सॉर्ब कर रहा है। और जब वो हमारे सामने आता है हम उसका शुद्धिकरण करें बिना ही पी लेते हैं उसको। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। जो हम मेडिटेशन अभी बनाएंगे छोटी सी, अगर अपने आप को बचाना है वातावरण के प्रभाव से और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, हर भोजन स्वीकार करने से पहले और पानी या चाय या कोई भी चीज़ दूध पीने से पहले 10 सेकेंड रुककर परमात्मा को याद करके वो संकल्प जो अभी हम लिखेंगे उसको उस पानी और भोजन में डालें, आपका पानी अमृत और आपका खाना प्रसाद बन जाएगा। ये आप अपने हर खाने के लिए और पानी के लिए कर सकते हैं। शुद्धिकरण ही तो करना है ना उसका, एनर्जी चार्ज करनी है उस पानी और खाने की। हमारी वाइब्रेशन उस पर असर डाल रही है। सिंपल बात है, फरवरी का महीना है, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चों को टेंशन है, कई बार मम्मी पापा को भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। बच्चा पढ़ता है, मम्मी किचन में जाती है और मम्मी कहती है मैं बच्चे के लिए दूध लेकर आती हूँ, तो वो दूध का ग्लास इस तरह से लेती है, उसमें बोर्नवीटा घुमाती है और बोर्नवीटा घुमाते घुमाते कहती है कैसा होगा इसका एग्जाम कल, कैसा होगा बेचारा मेरा बेटा, पूरा साल पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या हाल चाल होगा उसका कल। ये वाइब्रेशन उस दूध में मिल गई साथ में, अब इसको ये पिला देगी जब तो उसकी टेंशन पहले से गुड। अब हमें उसकी टेंशन को क्या करना है, घटाना है। पकड़े अपने हाथ में दूध का ग्लास एवरीबॉडी, चलो करे करे पकड़े अभी। अब उसमें क्या डालें हम, कौन सी थॉट चाहिए, क्या चाहते हैं हम हो, हम क्या चाहते हैं हो, हम चाहते हैं सबसे पहले कि उसका मन कैसा हो, शांत शक्तिशाली अलर्ट। एग्जाम कैसा चाहते हैं कल, कैसा हो, जितने नंबर चाहिए उसको उस दूध में मिक्स कर दो, करके देखो। लेकिन फिर एक बार वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली फिर बाद में दूसरी नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हुआ तो क्या होता है ना, फिर नहीं होगा। ब्लेसिंग मतलब सिर्फ ब्लेसिंग, उसके बाद ब्लेसिंग को डाइल्यूट हम नहीं कर सकते। संपूर्ण फेथ के साथ सिर्फ एक ही एक थॉट, उस दूध के ग्लास को लें, जैसे आप उसके अंदर चीनी घोल रहे हैं परमात्मा को याद करें, सर्वशक्तिवान शांति का वो सागर है, परमात्मा की शांति इस दूध में मिक्स होती जा रही है, मेरा बच्चा ये आत्मा ये दूध पिएगा उसका मन बिल्कुल शांत, एग्जाम कल बढ़िया, अब पिला दें। अमृत पिला दिया ना, ये अमृत खुद बना सकते हैं घर ना, खुद बना सकते हैं। एक थॉट ही तो डालनी है, हाई एनर्जी को याद करके, परमात्मा को याद करके वो शक्ति उसमें डाल दें। भोजन बनाए, भोजन बनाते समय भगवान को याद करके और जो आप अपने घर में करना चाहते हैं वो थॉट उस भोजन में डाल दें। अगर आपके घर में कोई भी बात की प्रॉब्लम है, आपके घर में अगर दो लोगों की आपस में बनती नहीं है, उनके खाने और पानी में ये थॉट डाल दें, इन दोनों की आपस में बहुत बनती है,
इन दोनों का रिश्ता आपस में बहुत बहुत बढ़िया है, उन दोनों को पता नहीं चलेगा कि उनको क्या हो गया है, उनको पता नहीं चलेगा कि वो एक दूसरे को लाइक क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला यूज भी तो करना चाहिए ना, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे सफलता मिलनी ही मिलनी है। अपने लिए एक छोटी सी मेडिटेशन अभी बनाते हैं, रेडी? अगर फोन है तो रिकॉर्ड कर लो या लिख लो, और अगर कुछ नहीं है तो याद रख लो, याद हो जाएगी। छोटी सी है, एक मिनट की, लेकिन इसको हम रोज करेंगे, एवरी डे। मैं दिव्य आत्मा हूं, डिवाइन सोल। मैं दिव्य आत्मा हूं, मेरी हर सोच शब्द और व्यवहार सबको सुख देता है। मेरी हर सोच शब्द और व्यवहार सबको सुख देता है। मैं हरेक को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करती हूँ। मैं हरेक को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। मेरा शरीर, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से चेक करें एक एक लाइन को, जो हम चाहते हैं कि हो हमें संकल्प करना है कि वो है। मेरा शरीर, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। सर्वशक्तिवान परमात्मा, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, पावरफुल सर्वशक्तिवान परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। फरिश्ता क्या करता है सारा दिन? फरिश्ता क्या करता है सारा दिन? क्या करता है? आता है, सुख देता है, चला जाता है। आता है, सहयोग देता है, चला जाता है। आजकल लोग दुनिया में फरिश्ते ढूंढ रहे हैं, एंजल्स। परमात्मा कहते हैं एंजल्स ढूंढना नहीं है, एंजल बन जाना है लोगों के लिए। तो रोज सुबह अपने आप को ब्लेसिंग, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन में मुझे हरेक जो मिलेगा, आज सारा दिन में मुझे हरेक जो मिलेगा, उसे मेरे द्वारा परमात्मा का प्यार और शक्ति मिलेगी, क्योंकि मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ये दुनिया बहुत ही सुंदर सतयुगी दुनिया है, ये दुनिया बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया है। रखते हैं फोन, अब इसको देखते हैं ये कैसे वर्क हो रहा है। एक एक लाइन इसको देखें, मैं दिव्य आत्मा हूँ। जैसे ही हमने थॉट क्रिएट की, मैं दिव्य आत्मा हूँ, वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट हुई? डिविनिटी की। मैसेज कौन सा गया माइंड और बॉडी को? डिविनिटी का। मेरा शरीर बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, वाइब्रेशन कौन सी जाएगी शरीर को? हेल्दी। हम सारा दिन नहीं तो क्या कह देते हैं, मैं बीमार हूँ। दोनों में से चॉइस है, जो थॉट क्रिएट करेंगे वो होता जाएगा। मैं बीमार हूँ तो बीमारी बढ़ती जाएगी, मुझे गुस्सा आता है बढ़ता जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, मैं दिव्य आत्मा हूँ, दिव्यता बढ़ती जाएगी, मेरा शरीर बिल्कुल हेल्दी है, बढ़ता जाएगा। ये दुनिया बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया है, सतयुग बनता जाएगा। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। अगर आपका कोई एक रिश्ता है जिसमें थोड़ी सी गांठें पड़ी हुई हैं, उस रिश्ते को हर रोज सुबह एक बार याद करें और उसको एक बहुत पावरफुल मैसेज दें, मेरा ये रिश्ता बहुत बहुत सुंदर, स्मूथ, ब्यूटीफुल रिश्ता है।
थॉट्स से डेस्टिनी, संकल्प से सृष्टि बनती है। ये जो अभी हमने रिकॉर्ड किया और लिखा, ये एक मिनट का है सिर्फ। इसको सुबह उठते हमें 3 से 5 बार कम से कम, उठते ही फर्स्ट थॉट, मोहित भैया ने बताया, ना फोन को देखना, ना और किसी से बात करना, कुछ नहीं करना। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट 3 से 5 बार इसको रिपीट करना है। इसमें आप अपनी जीवन की कोई भी परिस्थिति डाल सकते हैं, कोई भी परिस्थिति। इक्वेशन क्या है? जो हम चाहते हैं कि हो, इक्वेशन क्या है? जो हम चाहते हैं कि हो, हमने थॉट क्या क्रिएट करनी है? वो ऑलरेडी है, वो हम ब्लेसिंग दे रहे हैं। सुबह उठते ही 3 से 5 बार, रात को सोने से पहले यही सोचते सोचते सो जाएं, ताकि ये संकल्प सारी रात काम करेगा। और जब भी कुछ खाएं या पानी पिएं, 20 सेकेंड रुककर उसमें भी ये वाइब्रेशन डाल दें, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है, वो वाइब्रेशन पूरा दिन हमारे अंदर जाएगी और ये डेस्टिनी बननी ही बननी है। हम सबको मिलकर वो सत्योगी दुनिया बनानी है, बनानी है ना, बनानी है ना सत्योगी दुनिया। तो वो सत्योगी दुनिया आज हमारे प्रांत के बड़े बैठे हैं साथ में, इतना सुंदर कार्य किया है, एक निर्णय ने, एक आत्मा का एक निर्णय कितनों के कर्मों को बदल देता है। सारी दुआएं किसको मिलेंगे, सारी दुआएं किसको मिलेंगे? आपने दुआएं दी या नहीं दी? एक निर्णय। इसीलिए घर के बड़े कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि घर के बड़े जो निर्णय ले लेते हैं उसका पूरे परिवार के ऊपर असर पड़ता है। एक निर्णय लिया, कितने परिवारों को सुख भाग्य में दे दिया, कितनी आत्माओं को सेहत दे दी, कितना धन बच गया, कितना कुछ कर लिया, एक निर्णय। तो इस प्रांत में हमारे पास ताकत है कि जैसे हमने इस एक चीज से अपने आप को मुक्त कर लिया, हम जिससे डिसाइड करें अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज हम यहाँ 4-5 हजार की संख्या में बैठे हैं, बड़े भी साथ में बैठे हैं। अगर हम आज एक निर्णय लें कि बिहार में गुस्सा नहीं कर सकते, कैसा होगा? कैसा होगा? अगर आज हमने डिसीजन ले लिया कि इस प्रांत में हम गुस्सा नहीं कर सकते, तो सबसे पहले बिहार तो स्वर्ग बन ही गया ना, आपको देखकर फिर बाकी भी कॉपी करके वैसा करना शुरू कर देंगे। अच्छी चीज का रोल मॉडल बने, बाकी सब कॉपी करेंगे। करें आज एक डिसीजन कि हम इस नशे से भी अपने आप को मुक्त करते हैं। अहंकार भी एक बहुत बड़ा नशा है, अहंकार एक नशा है, बहुत नुकसान करता है। आज उस नशे से भी अपने आप को मुक्त करते हैं और अपनी दुनिया को स्वर्ग हम आज से बनाना शुरू करते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। आप हाथ उठा के उनके सामने, बड़ों के सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि आज हमसे गुस्सा नहीं करेंगे, आज से करेंगे तो ही हाथ उठाना, ऐसे हाथ नहीं उठाना सिर्फ। और बड़े भी हाथ उठाएंगे, अच्छा बैक टू साइलेंस। एक घर में जब कोई एक करता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। जब बड़े करते हैं, बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं, बड़ों के संस्कार बच्चों में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के संस्कार उनकी पूरी संस्थान में आते हैं। तो हम आज इकट्ठे मिलकर ये करते हैं कि हम इस नशे से भी अपने आप को मुक्त करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी सेहत के लिए और हमारे परिवार के सुख के लिए हानिकारक है। करेंगे ना, भाग्य बदल जाएगा अपना। गुस्सा आता ही इस बात पे है क्योंकि हमें लोगों के संस्कार पसंद नहीं आते, वो हमारे अनुसार नहीं होते। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है
ये समझ में आ जाता है कि आत्मा के अलग अलग संस्कार और थोड़ा सा टेंशन, मैं कौन, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं सबको सुख देने वाला हूँ। सुबह सुबह ये रिकॉर्डिंग कर ली, सारा दिन में गुस्सा आएगा ही नहीं। तो सुबह 3 बार, रात को सोने से पहले 3 बार, दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 1 बार ये वापस याद कर लेना। और इसीलिए जब भी पानी पिए, खाना खाएं तब कर लें तो तब भी हो जाएगा, क्योंकि दिन में 6-8 ग्लास बार पानी तो पियेंगे। मैं दिव्य आत्मा हूँ, ये थॉट अपने पानी में डाल के फिर पानी पीना है। पानी अमृत, दिव्यता बढ़ती जाएगी, दिव्यता बढ़ती जाएगी। सृष्टि पर सतयुग आया ही आया, हम सबको मिलकर इसको लाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, परमात्मा कहता है स्वर्णिम भारत अभियान है, सिर्फ स्वच्छ नहीं है, स्वर्णिम भारत बनाना है। स्वच्छता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ नहीं होगा तो स्वर्णिम कैसे होगा। लेकिन स्वच्छ मन, हम सब अपने मन को स्वच्छ बना देंगे तो स्वच्छ देश, स्वर्णिम देश हमारा बनना ही है। हम सब थोड़ा सा समय निकालेंगे, सेंटर पर आए, परमात्मा इस सृष्टि पर आकर कैसे सतयुग बना रहा है, कैसे संस्कार बदलने का ज्ञान और ताकत हमें दे रहा है, वो आकर एक बार सेंटर पर आकर देखें। 5 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालें और आकर मेडिटेशन सीखें। हमें बहन अभी सुनाएंगी कि कौन सी डेट से कौन से टाइम पर हम वो मेडिटेशन सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। लेकिन अगर वो डेट या टाइम नहीं सूट किया, कोई भी डेट कोई भी टाइम, 1 घंटा 5 दिन के लिए सेंटर पर आकर वो मेडिटेशन करना सीखें। जब पावर हाउस से कनेक्ट कर लेंगे, बैटरी चार्ज होती जाएगी, दिव्यता बढ़ती जाएगी, सबको देना शुरू कर देंगे। 2 मिनट अभी साइलेंस में बैठते हैं, फिर हम अपने बड़ों के आशीर्वाद सुनेंगे। बिल्कुल एकाग्र होकर ऐसे ही बैठेंगे। देखो हमारी एकाग्रता से पूरी हॉल की शक्ति कैसे हो जाती है। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हाथ उठाइए अगर आप कर सकते हैं। जब ये प्रोग्राम, अभी तो बताया ही नहीं, जब हम अपने बड़ों का आशीर्वाद सुनेंगे पूरे साइलेंस में, इसी तरह जैसे बैठे हैं वैसे बैठकर सुनेंगे, उसके बाद जब हम यहाँ से उठेंगे, आज हम एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हम यहाँ से अपने घर तक साइलेंस में चलेंगे फरिश्तों की तरह। 15-20 मिनट, आधे घंटे का रास्ता होगा। यहाँ से फरिश्तों की तरह उठेंगे, औरों को सहयोग देते हुए बाहर चलेंगे और बिल्कुल मौन में हम साइलेंस में घर तक जाएंगे। अब हाथ उठाए कर सकते हैं तो, और आप सब करेंगे ना ये। और आज आप देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ साइलेंस में की जाती है तो वो सब काम कितना सरल, सहज और दुआओं से भरपूर होता है। जो पैसेज में बैठे होंगे वो पहले उठेंगे, वो साइलेंस में जाएंगे, उसके बाद जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो उठेंगे। लेकिन ऐसा होगा जैसे हॉल में कोई, बताइए, जैसे हॉल में कोई है ही नहीं। मैं फरिश्ता हूँ, दूसरों को सहयोग देते हुए बाहर चलना है। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं एक बार, और बिल्कुल ये साइलेंस हमारा एंड तक रहेगा प्रोग्राम के, बिल्कुल एंड तक। मैं सतयुगी आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, देखें अपने जीवन को सारा दिन, मेरी हर सोच, वाणी, व्यवहार सबको आशीर्वाद देता है, सबको आशीर्वाद,
सबको दुआएं, क्योंकि मैं देने वाली दिव्य आत्मा हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। फरिश्ता जो सबको सहयोग देता है, सबको सुख देता है, हर एक के संस्कारों को मैं आत्मा स्वीकार करते हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। मेरा शरीर स्वस्थ हेल्दी, परमात्मा के साथ मैं आत्मा, इस सतयुगी दुनिया को रचने वाली आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर सतयुग मैं आत्मा लेकर आऊंगी। ओम शांति। सभी शांति की गहराई में चले गए। अब हम सबके सम्मुख हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी उपस्थित हैं, और मैं आग्रह करती हूँ आप आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना इतना अमूल्य समय निकाला और बहुत निश्चिंत बैठ करके सुन रहे थे। अवश्य आपके दिल में बहुत अच्छे उद्गार होंगे। हम बिहारवासियों के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप हम सभी को अपने आशीर्वचन देंगे। यहाँ तो कम से कम शांति रही है। ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन जी, राजयोगी डॉक्टर बनारसी लाल जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, बीके संगीता जी, राजयोगिनी रुक्मिणी बहन जी, इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय लालू जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्री शिवानंद तिवारी जी, विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके पहले
रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मा कुमारी समाज से संस्था से जुड़ी बहनें राखी बांधने जरूर आया करती हैं, और जब भी आती हैं अपने विचारों से संबंधित कुछ साहित्य समर्पित करती हैं और कुछ चर्चा होती है। आश्रम का बना हुआ मिठाई भी प्रसाद के तौर पर देती हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में शामिल होने का यह पहला अवसर है और मैं सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र पूर्वे जी को मैं इसका श्रेय देता हूं। ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े बहनों के साथ ये आए और उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती समारोह है, उसमें उपस्थित होइए। हमने कहा ठीक है, चलेंगे। और मेरी भी उत्सुकता थी, कभी तो इनकी बात सुनने का मौका मिले, जानने का मौका मिले, इसलिए आज इसी मन के साथ मैं यहां उपस्थित हुआ और बहुत कुछ सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपने के अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, चित्त को शांत रखना चाहिए, इसके अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हैं। ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, ये सबको मालूम है, भले ही हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और किसी चीज से परेशान नहीं होना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ये बगैर किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए सार्वजनिक जीवन में हम लोग हैं, बचपन से हम लोगों का स्वभाव है। अगर धैर्य न हो तो फिर तो कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर सकता है। और मन में तरह तरह की बातें आती है, और जब सार्वजनिक जीवन में हम लोग होते हैं तो वाद विवाद भी होता है, लेकिन उसका स्तर ठीक होना चाहिए। लोकतंत्र बना बगैर डिबेट के, बगैर डायलॉग के चल ही नहीं सकता, और लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तभी सबको अपनी बात रखने का, अपने अनुरूप समाज को बनाने का प्रयत्न करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए जो डिबेट है, डायलॉग है, वह भी एक स्तर का होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, सब जगह जा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, ये काउंसलिंग जरूर करिए, और काउंसलिंग यही कीजिए और सबके मन पर भी आ जाए, थोड़ा सार्वजनिक जीवन में जो इन दिनों वाग युद्ध चलता है उसका स्तर थोड़ा इंप्रूव करे, उसका स्तर इंप्रूव करे। अब तो कभी कभी अफसोस होता है कि कौन कितने बड़े पद पर है और किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो इन बातों से चिंता जरूर होती है। लेकिन आपने ठीक कहा, चिंता करो ही मत, कोई बोलता है उसको बोलने दो। और हम देखते हैं ये बात बिल्कुल सही है, इस तरह की बातें हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में देखी है कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आपने अपने अनुयायियों को बहुत अच्छा सुझाव दिया, लोगों को बताया कि अगर सुबह उठो तो अगर मन में पॉजिटिविटी है तो दिन भर उसका असर रहेगा, सुबह उठते ही मन में अगर कोई आक्रोश, गुस्सा, इसका भाव रहेगा तो दिन बेकार बीतता है। ये सब लोग कहते हैं, ये कोई एक की बात नहीं। जब सवेरे उठिए तो मन को थोड़ा प्रसन्न रखिए,
तो ये अच्छी बातें हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए, और लोगों का अगर व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा तो समाज बेहतर बनेगा। तो आप सब लोग लोगों के व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए, जो आंतरिक शक्ति है उसका एहसास कराने के लिए, और उसके हर किसी के अंदर एक सकारात्मक सोच हो उसको बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, और इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। आपका ये काम चलते रहना चाहिए, और हम लोगों का अपना काम है। यह तो एक विशेष संयोग है कि हम लोग दूसरे ढंग से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और आप लोग दूसरे ढंग से करते हैं। अगर हम लोग लोगों को कहें कि चित्त शांत रखिए, अगर लोग कहता है कि भाई यहां सड़क बनना चाहिए, तो हम अगर लोगों की बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग तो फ्लॉप कर जाएंगे। हम लोगों को तो सुनना, गुस्से को भी झेलना है। बहुतों का गुस्सा झेलते, सामने वाले का भी गुस्सा झेलते हैं, अगल बगल के लोगों का भी गुस्सा झेलते हैं, सबका गुस्सा झेलते हैं, और गुस्सा झेलना तो हम लोगों की नियति है। और उस गुस्से से मन विचलित न हो, ऐसा संस्कार बने, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो व्यक्तिगत रूप से आप लोगों ने जो कुछ भी लोगों को सुझाया है, बताया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, मनुष्य का कुछ स्वभाव होता है, अब उसको कैसे ठीक करिएगा ये आप लोग सोचिए। प्रयास कर रहे हैं, हम लोग तो अपने ढंग से करेंगे। भाई हम लोगों को लगा कि शराब बुरी चीज है, बंद कर दिया, अब उसके पक्ष में जो काम करना है कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन पर यह प्रभाव हो और उसके मन के अंदर से बात निकले कि यह बुरी चीज थी। अभी मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग जाते हैं, इस पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी, दोनों दिन हम लोग जाते हैं मुख्य समारोह के बाद, झंडोत्तोलन करते हैं कोई ना कोई महादलित टोले में, सबसे बुजुर्ग महादलित के द्वारा झंडोत्तोलन होता है, हम लोग वहां उपस्थित होते हैं। तो अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पटना जिले में ही फुलवारी शरीफ ब्लॉक में एक गांव में कार्यक्रम था, वहां मैं उपस्थित था, और जिन्होंने झंडोत्तोलन किया मांझी जी ने, अब और मांझी मत समझ लीजिएगा, मांझी जी थे वहां के, तो उन्होंने झंडोत्तोलन के बाद उनको कहा गया कि कुछ बोलिए, एक वाक्य उस व्यक्ति ने कहा, कहा कि साहब आप लोगों ने, सरकार ने तो बड़ा अच्छा काम किया, हम लोगों के समाज के तो 8 आना लोग मर गए, कम से कम आधा को तो बचा लिया गया, जो शराबबंदी इतनी अच्छी चीज। तो मन पर तो ये असर पड़ रहा, लेकिन अंतर मन पर असर पड़े, लोगों पर ये असर पड़े, इसके लिए तो बहुत जरूरी है। वरना होगा क्या कि शराब मिलना बंद हो गया है तो कहीं दूसरे मादक पदार्थ की ओर चले जाएंगे। तो उससे बचाना है कि भाई ये नशा बुरी चीज है, बहुत लोग आदि थे इसके, जब मिलना बंद हो गया तो शुरू में गुस्सा में थे, लेकिन अब प्रसन्न है, उनको पता चल गया कि नहीं पीने के बाद परिवार की हालत बेहतर हो गई, अब वो प्रसन्न है। एक जगह पर तो एक कार्यक्रम में एक महिला ने बताया कि साहब मेरे घर में मेरे पति शराब पीते थे, शराब पीकर आते थे, शाम में घर लौटकर आते थे, बहुत झगड़ा करते थे, वातावरण बहुत खराब हो जाता था, और जब ये झगड़ा करते थे तो बड़े क्रूर जैसे दिखते थे, लेकिन जब से शराब बंद हुआ है अब वो शाम में घर लौटकर आते हैं तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और अब वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो आपने जितनी बातें बताई वही तो बात है, ये अंदर में कौन सा विचार आपके अंदर उमड़ घुमड़ रहा, उसी का असर तो बाहर पड़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं, ये सही बात है। इसलिए अपने
हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग तो लोगों को जिस ढंग से काउंसलिंग करते हैं, इसको क्या कहा जाए, काउंसलिंग, लोगों को परामर्श देते हैं, समझाते हैं, अपने ढंग से समझाते हैं। और एक बात तो है ही, अगर हम लोग सार्वजनिक जीवन वाले लोग, राजनैतिक लोग इस तरह से लोगों को समझाने लगे तो लोग तो जमाई लेने लगेगा, और आप समझाइएगा तो लोग चित्त को शांत करके सुनेंगे। तो कहने का मतलब सबकी अपनी अपनी भूमिका है, तो आप लोगों की अपनी भूमिका, हम लोगों की अपनी भूमिका, लेकिन सबके हित में यही है कि हम अपनी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाएं। अब लोगों का स्वभाव कैसा है बताइए। आज जो बात होती है काले धन की, भ्रष्टाचार की, बहुत तरह की बातें होती है, आखिर क्यों लोग इतना पैसा बनाते, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे किसी को होगा कि आराम से जीवन जिए, जियो आराम से जीवन, एक गाड़ी से काम न चले 5-10 गाड़ी पर चल लो, एक घर से काम नहीं चला 2-3 जगह घर बना लिया, समझ गए। लेकिन आप बताइए कितनी संपत्ति लोग अर्जित कर रहे हैं, किस बात के लिए पैसा बनाते, ये बात समझ में नहीं आती। और सबको मालूम है कि कफन में जेब नहीं है। आप जो आज यहां कमा बना रहे हो वो आने वाली 7 पीढ़ी का कल्याण नहीं करेगा, लेकिन भले ही ये सोचकर जो भी कर दो, लेकिन कफन में जेब नहीं हो तो यहीं रहना है उसको। इसलिए इस तरह से लोगों के मन को तो बदलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जब मन बदलेगा तो विचार बदलता है, मन और विचार बदलता है, आचरण बदलता है और समाज का वातावरण बेहतर होता है। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और मुझे खुशी है कि आप सब ये जो आध्यात्मिक शिक्षा के अलावे ग्राम विकास पर भी ध्यान देते हैं, पर्यावरण के बारे में भी आपकी चिंता है, जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं, स्वच्छता, साक्षरता और सबसे बड़ी बात है वैल्यू एजुकेशन। एडुकेशन तो कोई दे सकता है, शिक्षित तो कोई कर दे सकता है, लेकिन एडुकेशन इस प्रकार का हो कि उसके साथ वो अपने को जोड़े, वैल्यूज के साथ, मूल्यों के साथ उसका लगाव हो, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई न पढ़े, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़े। और बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है। आज सबको मालूम है, और शिवानी बहन जी का भाषण हो रहा था इस बिहार में, पटना में, बिहार के लिए भी अच्छी बातें इन्होंने कही, भारत के लिए भी अच्छी बातें कही, सब चीज सब जगह के लिए अच्छी बात कही, पूरी मानवता के लिए अच्छी बात कही। ये तो वही भूमि है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान महावीर का जन्म यहां हुआ, ज्ञान भी यहीं प्राप्त हुआ, निर्वाण भी यहीं हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यहीं हुआ। और बिहार तो ऐसी भूमि है, जब हम आधुनिक इतिहास को देखें, मॉडर्न हिस्ट्री को देखें, तो आजादी की लड़ाई को तेज इसी बिहार में जब बापू आए और चंपारण सत्याग्रह किया, उन्होंने उसका नेतृत्व किया 100 साल पहले, तो उसी से जो ज्योति निकली, 30 साल के अंदर मुल्क आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, 1917 में हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, कि भूमि तो अद्भुत है। यही नालंदा विश्वविद्यालय, यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब ये बात अलग है कि ये तो चक्र होता है ना, चक्र तो घूमता रहेगा, चक्र तो स्थिर रह नहीं सकता है। पृथ्वी को भी सूरज की तरफ घूमना ही, और जिस दिन घूमना बंद हो जाएगा सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो चक्र है, वो तो चलता रहेगा, काल चक्र है। तो कब शीर्ष पर थे, आज नीचे चले गए। आपने ठीक कहा, लोगों को सिखाया, बच्चों को, कि भाई इसकी परीक्षा होने वाली है, मन में जो चिंता होती है, अब बहुत लोगों को ऐसी चिंता हो जाती है कि बताइए
उसमें चोरी करवाने लगता है, उसमें उल्टा पुल्टा काम करवाने लगता है। और लोग ऐसे हैं, लोगों का स्वभाव और मिजाज सब कुछ हम तो बराबर कहते हैं कि सब तरह के लोग हैं, एक ही प्रकार के लोग नहीं हो सकते। अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे विचार वाले भी लोग होंगे और उल्टा पुल्टा सोचने वाले भी लोग रहते तो रहते ही है। उपलब्धि मान लेंगे किसी तरह से हासिल हो जाए, बहुत लोगों का तो विश्वास है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, चाहे जिस प्रकार से सफलता मिले सफल हो। बहुत लोगों का विचार है एंड जस्टिफाइज द मींस, लेकिन हम लोग उस विचार को मानने वाले नहीं है। हम लोगों को एक अच्छा उद्देश्य है तो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग भी उत्तम होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। अब ये दो तरह के लोग तो हैं ही समाज में, अब समाज में तो ये चलता रहेगा। तो हम लोग सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, हम लोग अपने ढंग से कोशिश करते रहते हैं, कभी पटके जाते हैं कभी पटक देते हैं। और आप लोगों को तो इससे कोई लेना देना नहीं, आपको तो एक ही मार्ग पर चलना है। अब आज जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आपने लोगों को शांति का जो मंत्र दिया है, मन की शांति का जो मंत्र दिया, उस मन की शांति के मंत्र को अगर कुछ अंश तक भी अपना लेंगे तो मैं समझता हूं कोई साधारण बात नहीं है। देखिए समाज को तो कुछ ही लोग बदल डालते हैं। आज इतने लोग आप लोग बैठे हुए हैं, आप में से 10% लोग भी इनकी बात को मान लीजिएगा तो समाज को बदल डालिएगा, लोगों को बदल डालिएगा। लेकिन अध्यात्म की तरफ बहुत लोग जाते हैं, कहीं से प्रसाद मिल जाएगा तुरंत खा लेंगे, आप प्रसाद के नाम पर कुछ भी खिला दीजिए। लेकिन जो चित्त की बात है ना, सबसे बड़ी बात हुआ है मन की बात। दिखावे वाली चीजें तो बहुत होती है, अब ये पूजा पाठ सब जगह होता रहता है, अब आजकल तो और बढ़ गया है। हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं मूर्तियां जितनी स्थापित होती थी उससे बहुत ज्यादा, अगर हम पहले से और तुलना करें तो और ज्यादा आजकल मूर्तियां बहुत स्थापित होने लगी। तो पूजा पाठ तो बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ पूजा पाठ भी बढ़ रहा है, धार्मिक कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाज में असहिष्णुता भी उतनी ही बढ़ रही है। आखिर है क्या? तो बहुत कुछ तो दिखावे का होता है, लेकिन कम से कम आप लोगों की बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तो लोगों के अंदर के मन की बात कहते हैं, इनर पीस इनर पावर। अगर चित्त में शांति है वही आपकी आंतरिक शक्ति है, तो अगर इस बात को लोग समझ लें तो बाहर जो ही ढोल बाजा बजते रहता साहब, आप लोग कहते हैं चिंता मत करिए, ये मूर्ति विसर्जन होते रहता तो हम लोग भर रात चिंता में नहीं बैठे रहना पड़ता है। पता चला कि कौन विसर्जन करने वाला डीजे बताने बजाने लगेगा और दूसरी तरफ दूसरे धर्म का कुछ आ जाएगा, हुआ हंगामा, तो हम लोगों को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो हम लोगों का जीवन अलग किस्म का है, अब आपकी बात मानते हैं, लेकिन हाँ धैर्य से पड़े, किसी भी चीज के लिए सचेत रहना और धैर्य के साथ उसको निपटना, उसका मुकाबला करना, लोगों को समझाना। तो हम तो समझते हैं कि अगर इस प्रकार के इनर पीस और इनर पावर की बात आप लोग और फैलाइए, कामयाबी हासिल हो आपको, लोग आपकी बात समझें और उस पर आचरण करने समझने। सुनते तो बहुत लोगों की बात है, बहुत लोगों की बात को सुनना भी पड़ता है। टेलीविजन पर आजकल तो घंटों किसी की बात चलाते रहते हैं, तो जो भी टेलीविजन देखने के आदी है तो सुनते नहीं सुनते ही रहते होंगे। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हम टेलीविजन ही कम देखते हैं, तो हमको तो सुनना नहीं देखना पड़ता। लेकिन सुनने और सुनाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, सबसे बड़ी बात है
कि आप लोगों के को इस बात का एहसास अगर करा देंगे कि हर आदमी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, वह सब कुछ बदल सकता है, और सब कुछ को बदलने के लिए जरूरी है कि वह अपने आप को बदल दे, किसी फरिश्ता को न ढूंढे, खुद ऐसा आचरण करे कि वह ही फरिश्ता दिखे। तो ये कोई साधारण बात नहीं, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सुनने वालों में 10% लोग भी इसी पर आगे बढ़िए। हम तो सुनने आए थे, टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी योग करते हैं प्रतिदिन, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, टहलते भी हैं और योग भी करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर है, हम प्रतिदिन करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग जो यहां बैठे हैं, अगर जो कुछ भी यहां कहा गया उसके एक अंश को भी अपनाइएगा तो मुझको तो लगता है कि जीवन में बहुत बड़ा फर्क आएगा, और लोगों का आचार व्यवहार, और हम लोगों को क्या करना, शराबबंदी से लोगों का व्यवहार बदल गया, आचार बदल गया। हम लोगों को जब काम मिलता है, जनता देती है, और जनता को जो प्रेरित करते हो, जो चीजें उनके मन में भाव आता हो, तो हम लोगों ने, हमने एक बिहार में काम किया, लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की। अब किस समय शुरू की, पटना शहर में भी लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। गांव देहात की बात तो छोड़ दीजिए, अगर गांव देहात में लड़की कोई साइकिल चलाते हुए दिख जाती थी तो पूरा गांव चिंतित हो जाता था कि भाई लड़की तो हाथ से निकल गई, कहां जा रही है। आज जब साइकिल योजना शुरू हुई तो लड़कियां समूह में सिर्फ गांव में घर से निकलकर स्कूल ही नहीं जाने लगी, लोगों की मानसिकता बदल गई, सोच बदल गया। अगर पहले लड़की को साइकिल चलाते देखते तो लोग चिंता में पड़ते थे, और जब लड़कियों को समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाते लोगों ने देखा तो लोग प्रसन्न होने लगे और लोगों को अच्छा लगने लगा। ये लोगों के सोच का बदलाव। तो हम लोगों को तो काम करने का मौका दिया तो हम लोग काम भी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की मानसिकता बदले, सोच बदले। अब लड़कियों के साइकिल योजना से लड़के इतने प्रभावित हो गए कि जगह जगह हमको कहने लगे कि अंकल हम पर भी थोड़ा, हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो उसके बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू हुई। बाद में हमको लगा कहीं लड़कों के मन में निराशा का भाव तो नहीं आ जाए, हम तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं लड़कों के मन में निराशा ना आ जाए। तो 2 साल के बाद हमने लड़कों के लिए भी जारी, तो समाज में एक प्रेम का वातावरण रहता है। तो अब हम लोग तो अपना काम अपने आप अपने ढंग से करते हैं। अब शराब बंद हो गया, बदलाव आ रहा समाज में, लोगों को दिख रहा, लेकिन 2 नंबरी लोग बहुत कारोबार करने की कोशिश करते, होम डिलीवरी के चक्कर में रहते, और उसमें ये 2 नंबर के कारोबार में कुछ सरकारी लोग भी घुसे रहते। अब पकड़ रहे हैं हम लोग, जैसे ही एक्सपोज होते हैं कार्रवाई होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग अगर लोग अलर्ट रहेंगे तो इस ढंग के 2 नंबर के कारोबारी अपना कारोबार बंद कर देंगे। और जिस ढंग से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनी है, 4 करोड़ लोगों की भागीदारी मानव श्रृंखला में हुई है, एक सामाजिक अभियान के रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा तो हम लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और आप लोग लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा कर लीजिए कि भाई आपके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, आप अपने मन को शांत रखिए, आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये साधारण बात नहीं है, समाज तो बदलेगा, सब चीजों से बदलता है। तो अच्छा है आप लोग इस काम को आगे बढ़ाइए, जगह जगह ले जाइए, लोग अच्छे चीजों को अपनाएं, धैर्य को अपनाएं, और सबका मिला जुला प्रयास होता है उससे समाज में नई चेतना आती है, नई जागृति आती है, और समाज आगे बढ़ता है। और मुझको तो पूरा विश्वास है कि अपने भारत में इतनी बड़ी क्षमता है, और इतना हमारे बिहार में जिसका इतना गौरवशाली इतिहास है, अब इस तरह का माहौल हो और आप सब लोग मिलकर काम करेंगे
अपने अपने ढंग से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में प्रेम और सद्भाव आज जो सबसे बड़ी जरूरत है। आपने जितनी बातें कही उससे कोई एक खास मजहब की बात नहीं आती, आपने तो हर इंसान के बारे में कहा कि हर व्यक्ति के अंदर ताकत है, इनर पीस और इनर पावर की बात कही, आपने किसी खास मजहब के बारे में तो बात कही नहीं। तो इस तरह से अगर सभी मजहब के सभी धर्म के मानने वाले लोग अगर इस प्रकार से अपने सोच को रखें, और कोई भी किसी धर्म मजहब को मानता है यह उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है, लेकिन मूल बात है कि लोगों के अंदर जो ताकत है उस ताकत को लोग पहचाने और उसका सदुपयोग करें तो एक सद्भाव का माहौल होगा। और मानो आज दुनिया में देख लीजिए, आज दुनिया की हालत कितनी बुरी है, चारों तरफ अशांति है, धर्म मजहब के नाम पर संघर्ष हो रहा है, रेस के नाम पर हो रहा है, कई तरह के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और कैसे कैसे लोग समाज में प्रमुखता पा रहे हैं इसको भी देख लीजिए। पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा चल रहा है, और सारा का सारा जो डिस्कोर्स आज दुनिया में देख रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं और यह मुनासिब भी नहीं। हम समझते हैं इन दिनों जो पब्लिक डिस्कोर्स है किसी भी देश में देखिए तो बड़ा ही उलझन भरा है, बड़ा ही तनाव भरा, और ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया में कोई शांति का माहौल कोई बनाना चाह रहा। वैसी स्थिति में अगर आप जैसी संस्थाएं सक्रिय होकर इस बात का संदेश दें और लोगों को काउंसलिंग करते हुए समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूं कि परस्पर प्रेम का और सद्भाव का वातावरण बनेगा और वही समाज को आगे ले जाएगा। तीन शब्दों के साथ ये अवसर तो दूसरा है, ये तो आप लोगों का अवसर है, हम लोग तो श्रोता के रूप में आए, हमको लगता है देखिए बड़ा अच्छा आदमी मिल गए हैं पूर्वे जी, और भाभी को हम बधाई देंगे कि पूर्वे जी को इतना ठीक कर लिए। अपनी तरफ उनको पूरा मजबूती से ले आए, ये तो विमेन एम्पावरमेंट है, पूर्वे जी आपके साथ हो गए और देखिए हम लोगों को भी ले आए यहां, तो ये तो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप अपने काम को पूरे मजबूती के साथ पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाते रहिए, और मुझको पूरा भरोसा है कि समाज में अच्छी सोच वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं, लेकिन होता है कि गड़बड़ सोचने वाले लोग जरा ज्यादा वोकल होते हैं, और बाकी लोगों को भी आप शांति रहने के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात है, तो अब तो इसका मतलब जितना वोकल रहेगा वो गड़बड़ होगा। और देखते भी हैं कितनी जुबान लोग तेज चलाते हैं साहब, लेकिन आपसे भी आग्रह है कि तेज जुबान से आप भी मत प्रभावित हुआ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी को आदरणीय शिवानी बहन जी, बनारसी भाई जी शॉल पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। माउंट आबू से दादी जी ने अपनी ओर से सम्मान के लिए भेजा है। दादी जानकी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ईश्वरीय उपहार और ईश्वरीय प्रसाद
विभिन्नताओं के इस संसार में सामंजस्य को स्थापित करना, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को अपने जीवन में समावेश करना, यही हमारी वास्तविकता है। और तभी हमारा जीवन पूर्ण माना जाएगा। तो हम सभी भाई बहने बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच में उपस्थित हुए और हम सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। अब हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री लालू प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं और मैं आग्रह करती हूं आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और आप हम सब के लिए अपनी शुभकामनाएं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवानी बहन जी, बहन रुक्मिणी जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता साहब, बनारसी भाई, सभी बहनों और भाइयों, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहने, जैसा नीतीश जी ने कहा, हर साल दादी जी की कृपा से रक्षाबंधन के अवसर पर पांच बहने जरूर आती है और रक्षाबंधन बांध के जाती है और हर साल लोग निमंत्रण देते कि माउंट आबू एक बार चलिए। हर रक्षाबंधन के दिन हम बोलते हैं कि जरूर माउंट आबू चलेंगे, लेकिन गए नहीं कभी। इस बार हमारे सिवान की बहने आई थी न्योता देने के लिए पूर्वी जी के साथ में, तो लोग बोली कि रउआ आई जरूर, हमने के भोजपुरी भाषा भाषी बहुत बड़ी संख्या में जब आने जा, तो सब लोग के स्वागत हम करता नहीं, सब बहनों को और भाइयों को। और नीतीश जी ने कहा, ठीक कहा, कि दुनिया भर में जो आप टीवी पर देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है, दुनिया विनाश के तरफ जा रहा है। हर जगह हथियारों से लैस होकर के लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो और भारत भी हो। रात को भी मैंने देखा, मुझे लगता है कि हम ईश्वर ने हमको सबसे सबको आपको और हमको श्रेष्ठ प्राणी में हम लोग को भेजा इस धरती पर और सब तरह का इंतजाम किया, लेकिन आज दुनिया न जाने कब क्या होने वाला है। इसको रोकने का एकमात्र उपाय, ठीक शिवानी बहन जी ने बताया कि शांति, गुस्सा नहीं करना, शांति रखना मन में और दूसरे के प्रति नफरत नहीं, ये प्रत्येक दिन हमको अपने मन में रखना है, सीखना है। जहां पीस है वहां प्रॉस्पेरिटी है, जहां झगड़ा है वहां पर समस्या है। जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध को अपनाया, यो देश,
आज उन्नति के शिखर पर है और जिन मुल्कों में झगड़ा झंझट मार काट तनाव दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ तमाम जगह तकलीफ ही तकलीफ है। लेकिन जो मन है हम लोग का मन, ये एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। एक दिन कोई बात हम सुन लिया और समझ लिया, देश भर के लोगों को मैं देखता हूँ, इतने इतने साधु संत हो गए हैं लोग देश भर में प्रवचन देने वाले। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत जगह तो टिकट लगता है उनका प्रवचन, लोगों का प्रवचन सुनने के लिए। एक आजकल नया संत निकले हैं, देश भर से मां बहन जाती है, लोग जाते हैं, तबाह लोग जाते हैं। बाबा बाबा हमारा हमारा पति से नहीं पट रहा है, गौर से देखते रहते हैं। अब बोलते हैं कि जाओ दुगो केला खा लेना। कोई बोलता है कि हमारा बेटा को नौकरी नहीं हुआ बाबा, तो बोलते कि अजमेर शरीफ गया था, जाओ अजमेर शरीफ पर माथा टेक देना, नौकरी हो जाएगा जाओ। तो तुलसी इस संसार में, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग हैं संसार में। और मुझे बड़ी खुशी हुई और आपको भी बहुत खुशी और प्रसन्नता होगी, आप जिनको सिखाएंगे उनको भी, कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि रीबर्थ है, रीबर्थ पुनर्जन्म। शिवानी बहन जी ने भी बताया कि आदमी पहले क्या क्या था, कौन जन्म में क्या था, कहाँ कहाँ हम थे, हमारे संस्कार, तो पुनर्जन्म है। और जब हम जन्म लेते हैं, कृष्ण भगवान ने बताया है गीता में लिखा हुआ सब, तो उसमें पुनर्जन्म की बात है। तो हमको अपने संस्कारों को बदलना चाहिए, ढूंढना चाहिए मन के अंदर खुद, और ढूंढने से और आगे जो मौत से आदमी डरता है कि हम मर जाएंगे, तो संतुष्टि होती है कि नहीं, इंसान अगर चोला बदल गया, ये चला गया धड़ी, लेकिन आत्मा सोल जो आत्मा है अमर है, ये कहीं ना कहीं जाके प्रवेश कर जाता जैसा जिसका जो संस्कार रहा है। तब मौत से नहीं डरना चाहिए। और जिस मालिक ने हमको और आपको भेजा है यहाँ धरती पर, ठीक कहा बहन जी ने कि सुबह में उठ के कम से कम उनका नाम लेकर के, और नाम लेकर के निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए कि आप प्रभु हमको बहुत अच्छे जगह पर भेजा, सब तरह का इंतजाम, बात किया, खान पान से लेकर के सब तरह के फल फूल सब इंतजाम है। तो मुझे खुशी है कि पहली बार सचमुच में आप लोग कल हमको बुलाए थे कि कल आइए, हम कहा कि नहीं, 11 बजे तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे। बनारसी भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे कल, तो हम कहा कि अच्छा मौका है, मुख्यमंत्री जाएंगे तो हम भी आएंगे उसी समय। तो हम दोनों लोग यहाँ छोटे बड़े भाई जुटे हुए हैं, बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर भी, और हम अपनाएंगे। और जो बहन जी ने जो कुछ बताया है, मंत्र बताया है, हम तो टेलीफोन नहीं रखते हैं, तो यहाँ के बहनों को बुला करके हम सीखेंगे, लिखेंगे, जरूर अनुकरण करेंगे, हम ये आश्वासन हम देते हैं। और खास करके भोजपुरी इलाका सिवान के जो बहन बाड़ू लोग, हम सीखा पक्का। इधर डेढ़ 2 महीना से आप सुन रहे होंगे, 5-6 महीना से,
लालू बीमार है, लालू बीमार है, लालू बीमार है, दिल्ली से लेकर सब जगह का हाल है, का हाल है, लालू बीमार है। मारे हमारे शुभचिंतक लोग देखते होंगे, चलिए अब लालू चले, ये सभी मनाने वाले लोग हैं। जो भी आता है मिलने के लिए, नीतीश जी तो समय से अरे पंक्चुअल आदमी है, मिलते हैं टाइम लेके, हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं रहता है। बद्री धाम का गेट खुला रहता है, तो जो लोग आते हैं शुभचिंतक लोग हों या खिलाफ लोग हैं, तब ये ठीक बा, तब ये ठीक बानू, हम का ठीक है तो कहते हैं कि अखिया फूटल बा, जब के बात बोलता है भाई, सोचते सोचते सचमुच में सब आदमी आगे बोला था कि बीमार बानी ठीक बा, ठीक बा। हम बीमार थे, एक दिन डांटे हम, गुस्सा आया कि भक्त हम बीमार नहीं है, उस दिन से हमारा तबीयत बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। जाड़ा में जो हम लोग के अंतिम मित्र हैं, दोस्त हैं, जब हम लोग बांस घाट जाएंगे तो कौन साथी है, आग, अग्नि देवता, पांच ट्रैक्टर जलावन का लकड़ी हम ताप गए अभी तक, धुई लगाते हैं, धुई लगा देते हैं, वही तापते रहते हैं, जो लोग भी आया तो जो खड़ा है उसी के तरफ धुआं लगता है, ज्यादा देर नहीं टिकता हो, पूछ के चाहे हमके भाई बीमार है हटो ना तू ऐसे। तो भांति भांति के समस्या है, ठीक है, ये सब बड़ी बात है। भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य के रूप में दादी जैसा, शिवानी जी जैसा, रुक्मिणी दीदी जैसा और आप लोगों को प्रचारक के रूप में भेजा है और उनके कृपा से सब आप आए हैं और हम लोग का सुखद संयोग है कि हम लोग आज इकट्ठे मिल रहे हैं। ये सब बात ये है, इसमें आप लोग सिखाइए, पढ़ाइए और हम लोग भी अनुकरण करेंगे और अपने भाषण में भी बहुत देखते हैं नेता एकदम लगता है लोग चिल्ला चिल्ला के भाषण करता, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देगा, लगता है कि नट्टी फूट जाएगा इनका, नस फटने का डर रहता है और काम कुछ नहीं। अब तो हम देखते हैं तो लगता है कि इनके पास कोई स्टॉक ही नहीं है, बोलते बोलते थक गए, अब कोई इनके पास स्टॉक नहीं है। नीतीश जी और अब हमारी सरकार, महागठबंधन के सरकार, शराबबंदी किया, ह्यूमन चेन लगा और इसका बहुत प्रभाव पड़ा है ना। तो 1 जनवरी को ये जो नौजवान लोग है, बाइक चलाने वाला, लहरिया काटने वाला, 1 जनवरी को हमने देखा है, हम अस्पताल में इमरजेंसी में हम लोग अलर्ट कर देते थे कि सब डॉक्टर लोग तैयार रखिए रहिएगा, आज 1 जनवरी है, दारू पी पी के, लहरिया काट के और जाके एकदम बिल्कुल जा करके इतना बड़ा बड़ा मुंह फूला हुआ है, नाक में डॉक्टर जल्दी पाइप लगाए हुए है उसमें, लेकिन आज सड़कों पर कहीं भी मार काट लफंदरगिरी नहीं हो रहा है। ये दारू बहुत खतरनाक चीज है, लीवर खराब कर देता है, आदमी के किडनी बर्बाद कर देता है। तो हम दारू बंदी होने लगा तो नीतीश जी को बोला कि ताड़ी मत बंद करो, ताड़ी के छोड़ दीजिए, ये ताड़ी नीरा है। तो बोले कि ना अभी भर हम छोड़ देता नहीं ताड़ी के, भांग ओंग के शंकर जी पर चढ़ेला, लेकिन हम पासी भाइयों को, चौधरी भाइयों को हम सिर्फ तार चढ़ाना नहीं चाहते हैं। तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से बुला करके ताड़ी से नीरा बनाना और इस काम में हम लोग
लगाया है कि लोग काम में लगे और सीखे बढ़िया से बेहतर। नशा इंसान को बर्बाद करता है, ये बात जरूरी है, लोगों ने महसूस किया है और खास करके महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं और चारों तरफ एकदम रोकथाम हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदमाशी तो करता ही है, चूंकि चारों तरफ से हम लोग टापू में घिरे हुए हैं। एक तरफ झारखंड है, पूरब में बंगाल है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में यूपी है, कहीं ना कहीं से घुसा देता है, सब लाता है लेकिन फिर पकड़ाता है, दंड कठोर है। तो माता जी को, दादी जी को हम यहीं से प्रणाम करते हैं और सब दीदी लोगों को और सभी लोगों को मैं आश्वस्त में करता हूँ कि माउंट आबू हम चलेंगे, दो तीन दिन रह करके वहाँ देखेंगे। और हमारे पूर्वे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्वे जी का कोई उतना अचीवमेंट नहीं, असल में उनकी पत्नी है। हाँ, जिधर जिधर जाएगी पत्नी उधर उधर जाएंगे पूर्वे जी। इनको जब फुर्सत रहता है तो लोटा डोरी लेके आइए, को धाम नहीं छोड़ते हैं ये पूर्वे जी। तो काफी हम इनको धन्यवाद देते हैं, हम भी पूर्वे जी को, उनके धर्मपत्नी जी को, हेडमास्टर थी, और सब भाई बहन लोग को, सब लोग को, ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहने वाले और सब शिक्षा, सब ब्रह्म कुमारी लोगों को मैं अपने तरफ से शुभकामना बधाई देता हूँ। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप शिवानी बहन जी ने जो और मोहित गुप्ता जी ने जो कुछ बात बताया है उसका हम अनुसरण जरूर करेंगे। ये अपना फायदा के लिए भी है, समाज के लिए भी है, हम सब लोग को बताएंगे। बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, और सब लोग के हम प्रणाम करते हैं। हमारी आदरणीय दीदी, शॉल पहनाकर आपका सम्मान कर रहे हैं। आपके लिए भी दादी जी ने माउंट आबू से ईश्वरीय उपहार भेजा है और ईश्वरीय प्रसाद भेजा है। और आपके लिए ईश्वरीय निमंत्रण भेजा है और आपने उस निमंत्रण को स्वीकार भी किया। आप अवश्य मुख्यालय में जाएंगे, दादी जी से मिलेंगे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।